Thank you.
नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री माध भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्री माध भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज
श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महिमा, इसलिए हमारे टीकाकारों ने बताए अगर किसी ग्रंथ की महिमा को हम समझना चाहते हैं तो चार दृष्टिकोण से विचार करने चाहिए। भले पहला नंबर क्या है, भले भागवत कथा सुनने का कौन अधिकार है, ये कथा कौन सुन सकता है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी एक तरफ से कहते हैं भले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम, कहते ये कथा को सभी नहीं सुन सकते हैं। भले जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई सौभाग्य उदय हुआ, कहते वही व्यक्ति ये भागवत कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले भैया हम तो बड़े पापी हैं, हमने तो कोई पुण्य कर्म की नहीं, कर क्या ये कथा नहीं सुन सकते हैं। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये धुंधुकारी जैसे इतना बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब गोकर्ण ने इसका नाम पर गया में पिंड दिया, ये प्रेत बन गया था, पिंड दिया, पिंड दे करके आ करके देखा पैर घर में भूत बन करके बैठा, कभी घोड़ा बन करके कभी बिल्ली बन करके उसको डरा रहा है। बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया है, गया में भगवान श्री नारायण का चरण चिन्ह है। भगवान स्वयं बोले अगर कोई गया में आए अपना पूर्वजों के लिए एक बार पिंड दे दे उसको प्रेत जन्म से उद्धार हो जाता है। कहते मैंने तो वहाँ पिंड दे करके आ गया, फिर तू कैसे भूत कैसे बन करके बैठा है। कहते मैंने इतना पाप किया क्योंकि पिताजी को मार मार कर घर से निकाला, मैया को इतने सताई, मैया ने कुएं में आत्महत्या की, फिर मैंने छः छः बेसिया को घर में बुला करके ला कर रखा, फिर उनके लिए चोरी गुंडागिरदी सारे बदमाशी काम किया, कुत्ते को साथ में खाए, मतलब मैंने बहुत पाप किया है। साधारण पाप होता तो गया में पिंड देने पर उधार हो जाती, लेकिन मैंने तो बड़े खतरनाक पाप हमने किया, इसलिए मेरे नाम पर अगर 100 बार भी पिंड दे दोगे मेरी मुक्ति नहीं होने वाला। लेकिन जब उन्होंने सूर्य देव का प्रश्न की मुक्ति कैसे होगी, बोले केवल इनको ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। ये भागवत कथा की इतने महिमा कहते बड़े से बड़े पापी भी ये कथा सुनकर के उसको उद्धार हो जाता है। इसलिए यहाँ शिक्षा दिया है ये भागवत कथा पापी से पापी क्यों नहीं हो तब भी उससे संसार का बंधन से भागवत मुक्ति करा देती है। इसलिए कौन सुन सकते हैं, बोले पापी से पापी। अगर कोई बोले हम क्या कम जानता हूँ, हम बहुत जानता हूँ, अरे वही एक ही कथा कितना बारंबार सुनेंगे, सुनी सुनाई कथा को, हमें सब कथा बता सुनने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास उदाहरण देते हैं बोले राम कथा जय सोना ता अघाई, राम कथा जय सोना ता अघाई, कृष्ण कथा जय सोना ता अघाई, कृष्ण कथा जय सोना ता कहता है अरे कथा सुन सुन कर तो हम तो बोर हो गए, तो गोस्वामी जी कहते हैं इसको ये समझो वो भक्ति रस नहीं जानता है। इसलिए भगवान जब पृथ्वी महाराज हैं, जब पृथ्वी महाराज
भगवान बोले वर मांगो, ये पृथु महाराज क्या कहते हैं? बोले प्रभु बोले नका मै ना तदप्य हम क्वचित न जत्र जुष्माद चरणाम भुज हरे। वो कहते हे प्रभु अगर मेरे को देना तो विभत्स्व कर्णम, मेरे को 10,000 काम दे दो। भगवान बोले दो काम तो बढ़िया लग रहा है, अगर तुम्हारे शरीर में कान ही कान हो जाए अच्छे लगेगी देखने में, 10,000 कान क्या करोगे? बोले प्रभु कान तो दो ही हो लेकिन दोनों कानों में कृष्ण कथा सुनने की इतने शक्ति दे दो जितने 10,000 कानों में कथा सुनने का जितने ताकत है। और दूसरा तात्पर्य यह है जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं भगवान की कथा होती होगी, इसलिए प्रभु जहाँ जहाँ तुम्हारी कथा होती है मैं वहाँ वहाँ उतना उतना रूप को लेकर के वहाँ पर जाऊँ और तुम्हारी कथा में सुनते रहूँ, इसलिए मेरे को 10,000 कान दे दो। इसलिए भगवान की कथा जितने सुना लगे और सुने और सुने और सुने। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्री पृथ्वी महाराज भगवान से 10,000 कान मांगे। इसलिए उदाहरण दिया श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति, वो पहले ब्रह्मज्ञानी थे सुखदेव गोस्वामी, लेकिन कृष्ण कथा में इतना रस है इतने आनंद है, जब उन्होंने केवल कृष्ण कितने सुंदर जब उन्होंने सुना, उन्होंने सारे ब्रह्म ज्ञान को ध्यान को उन्होंने त्याग दे करके निकल करके आ गए और पूरी की पूरी उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा सुनी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण कथा में वो भी आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए कथा सभी सुन सकते हैं, पापी से पापी ज्ञानी से ज्ञानी भी कथा को सुन सकते हैं। कहते दूसरा नंबर पहले भागवत में ये विषय वस्तु क्या है, बोले इसमें विषय वस्तु साधारण वस्तु नहीं, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधो वर्गेण जाकल्पिता। इसलिए भागवत में भगवान कृष्ण की कथा है, ठाकुर जी की कथा जिसमें हैं, जिसमें ब्रज गोपियों की महिमा जिसमें बताई गई, इसमें साधारण कोई बात दुनियादारी कोई बात भागवत में नहीं, भगवान कृष्ण की कथा जिसमें। और ब्रज गोपियों की प्रेम, उद्धव जैसे व्यक्ति भी जब गोपियों की प्रेम को दर्शन करते हैं, बोले उद्ध शुद्ध हे गयो सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाई डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल। बोले उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिन ब्रज गोपियों की चरण की धूल और राधा रानी की चरण की एक धूल को उन्होंने वंदना किया, इसलिए भागवत में साधारण कोई विषय वस्तु नहीं, बड़ी हाई फाई विषय वस्तु ये श्रीमद् भागवत में। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, अरे जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये पद्म पुराण में जो भगवान की कथा की महिमा, आज हम लोग श्रवण करेंगे कहते श्री स्कंध पुराण में भी भगवान की भागवत कथा की बड़ी प्यारी प्यारी कथा है। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, लेकिन जब ठाकुर जी आते हैं अपना धाम और अपना पूरा भक्तों को लेकर के ठाकुर जी आते हैं, और जब जाते हैं पूरा भक्तों को लेकर के ठाकुर चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण जब चले गए जाने से पहले उन्होंने बज्रनाब को वृंदावन का उन्होंने राजा बना दिया, और जो हस्तिनापुर वहाँ का राजा श्री परीक्षित महाराज बने। एक दिन परीक्षित महाराज बज्रनाब से मिलने के लिए गए, बोले बज्रनाब सब कुशल मंगल है ना, बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, लेकिन एक चीज की बड़ी कमी महसूस हो रही है। बोले क्या है? बोले ये वृंदावन में कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान जब गए पूरा के पूरा अपना भक्तों को लेकर वृंदावन में कोई है ही नहीं, इसलिए मन तो बड़ा उदास है। लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण कहीं गए नहीं, अभी भी कृष्ण वृंदावन में है अभी, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाता हूँ।
ये चीज परीक्षित महाराज को पता, लेकिन ये चीज को और किसको पता, बोले सांडिल्य। बोले सांडिल्य कौन है, बोले श्री नंद बाबा की जो कुल को रहते थे, बड़े ज्ञानी बड़े विद्वान है, उनको ये रहस्य पता। परीक्षित महाराज सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप थोड़ी सी ये वृंदावन धाम की महिमा को बताओ। तब श्री सांडिल्य ऋषि कहते हैं, बोले गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योति। कहते हैं हे श्री बज्रनाथ, भगवान कहीं गए नहीं, अभी वृंदावन में है। अब लोग कोई वृंदावन गए हो, कौन कौन गए हाथ उठाओ तो। अब देखना वहां पर दो वन है, एक निधु वन और एक निकुंज वन। अब कभी शाम का समय पर वहां पर जाओ, आप देखोगे दिन में बहुत सारी बंदर देखोगे, लेकिन शाम होते ही देखना वो बंदर को भगाने का जरूरत नहीं, ये बंदर अपने आप जंगल से निकल जाती है। और वहाँ पर दोनों जगह पर दो मंदिर है, वहाँ पर ठाकुर जी के फूल की सज्जा लगती है, लोटे में पानी रख लेते हैं, लड्डू दांतुन रख लेते हैं। लेकिन अब सवेरे जाकर कभी अगर वृंदावन में जाओ, कभी सवेरे देखोगे ऐसे लगेगा जैसे रात को कोई लेट करके पुष्प सज्जा पर गया, कभी लड्डू आधा मिलेगी, लोटे में कभी पानी नहीं मिलेगी। अगर आप कोई सोचेगा हम जोर जबरदस्ती रह जाएंगे देखेंगे, वो गूंगा हो जाएगा नहीं तो मर जाएगा। वो उसको पास में अपना मंदिर है, गुरु जी का मंदिर है। हमने दो घटना देखा, एक माता जी को तो मरते हुए देखा और एक व्यक्ति को गूंगा होते हुए मैंने स्वयं देखा है, क्योंकि अभी भी कृष्ण वहाँ लीला कर रहे हैं। इसलिए एक संत कहते हैं, अद्यापि वो सही लीला करे कृष्ण राय, अभी कृष्ण कर रहे लीला, भगवान नित्य रास अभी करते हैं, लेकिन उसको कौन कौन दर्शन कर पाते हैं। बोले अत्रैव ब्रजभूमिजा जत्र तत्त्वम सुगभितम, अत्रैव ब्रजभूमिजा। इसलिए बोले प्रेम पूर्णानाम, जिनकी आंखों प्रेम रूपी अंजन जिसने लगाया, उनको ये लीला दर्शन करने को मिलता है। लेकिन हमारे आंखों में तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जैसे भरा पड़ा हुआ है। हमारी संप्रदाय में से चैतन्य महाप्रभु के कितने संतों ने दर्शन किया। एक संत थे, जब वृंदावन में आए, गुरु जी ने कहा देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना मेवा नहीं मिलेगा, जाओ निकुंज वन में झाड़ू लगाओ। अभी भी राधा रानी लीला करती हैं। वो संत राधा रानी का नाम को ले लेकर के रो रो करके, राधे कब हमारे ऊपर में तुम कृपा करोगे, कब हमें दर्शन दोगे। कभी झाड़ू लगाते थे, लौट बोट खाते थे। अभी राधा रानी जान बुझ करके दर्शन देने के लिए अपना चरण की नुपुर छोड़ कर गए। वो संत जब गए घना घोर जंगल में, एक चमचमाते हुए सोने की नुपुर मिला। बोले नुपुर जंगल में, तो ला करके गुरु जी को दिखाया। गुरु जी तो साधारण थे नहीं, जीव गोस्वामी वो कृष्ण लीला में विलास मंजरी, वो तो देख करके पहचान गए इधर राधा जी के चरण के नुपुर गए। बोले देख बेटा, राधा रानी तुम्हें दर्शन देने के लिए बहाना बनाया, अगर कोई आए ना बोले नुपुर दे दो, देना नहीं, बोलना जिनकी चरण की नुपुर खुद आ जाए फिर मैं ये चरण नुपुर उनको प्यार में पहनाऊंगा। अभी ललिता विशाखा रूप बदला करके आई, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू यहाँ पर पुष्प चयन करने आई थी, कहीं चरण के नुपुर गुम गया, तेरे को मिला? बोले मिला। बोले दे दो। बोले जिनकी चरण के नुपुर खुद आए अपना हाथों से मैं पहनाऊंगा। लेकिन गुरु जी ने कहा देख बेटा बड़ा परीक्षा होगा, ऐसे नहीं देना, नहीं ऐसे नहीं दे देना। इतने में बोले अगर तू दोगे नहीं ना, हमारे भैया को बुला करके लाएंगे, कहाँ हमारी घर की बहू, कहाँ तू संत है और तू कहते हो अपना हाथों से हमारी बहू की चरण में नुपुर पहनाओगे, तेरे शर्म नहीं लगता है? बोले जो कुछ बोलना बोल दो, मैं तो अपना हाथों से पहनाऊंगा। फिर ललिता विशाखा राधा जी से बोले, राधा रानी तो दर्शन देना चाहती है, बहाना बनाई। बोले बोलो उसको आंखों में काला पट्टी बांध दे, फिर मैं आऊंगी। फिर राधा रानी स्वयं वहां पर आई और श्री अपना हाथों से उन्होंने श्री राधा रानी के चरण में उन्होंने नुपुर धारण कराया। और उन्होंने बोले हे राधे, जब आप इतने दूर तक कृपा की मेरे को दर्शन भी दो, सचमुच से जब आंखों से काला पट्टी खोले
राधा रानी का साक्षात दर्शन मिला। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की, बोले जय जय श्री राधे। अब गाओ तो गाओ। श्यामा जो की पायल की घूमो, राधे जो की पायल की घूमो, नृत्य करत में बिखर गए, नृत्य करत में बिखर गए, श्यामा जो की पायल की घूमो, राधे जो की पायल की घूमो, Thank you.
अभी ठाकुर जी वृंदावन में पूर्ण रूप में अभी भी है, लेकिन उसको कौन दर्शन कर सकता है? जिनका हृदय पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, वो संत लोग अभी भी दर्शन करते हैं। इसलिए हमारी संप्रदाय में तो इतनी कथा है। श्री रूप गोस्वामी के लिए तो राधा रानी स्वयं आकर के खीर बनाकर खिला कर जाती है, और सनातन गोस्वामी एक संत हुए, ठाकुर को बगैर नमक के टिकिया भोग लगा देते। एक दो दिन खा करके ठाकुर जी बोले सब्जी तो देता नहीं, अरे कम से कम टिकिया में थोड़ा नमक तो दे दो। लेकिन वो संत कहते थे नंद बाबा का 9 लाख गया था घर में, तभी तेरा पेट नहीं भरता था, तू गोपियों के घर में चोरी चोरी कर खाता था। अरे मैं बाबा लोगों को कहाँ से लाऊं? आज बोलोगे थोड़ा नमक दो, कल बोलोगे थोड़ा सब्जी ले आ, फिर बोलोगे थोड़ा राबड़ी होता तो बढ़िया होता, भैया मैं कहाँ से लाऊंगा। वो ठाकुर से लड़ते थे वो संत, ऐसे सबके सब संत हुए हैं। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो अगर तुम ठाकुर जी को दर्शन करना चाहते हो अभी एक उपाय है। बोले बताओ। बोले ठाकुर तो चले गए वृंदावन छोड़ करके, उनका जो लीला भूमि धीरे 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 अंतर्ध्यान होते जा रहा है। अभी किसको पता नहीं कृष्ण कहाँ पर रास किया, कहाँ पर गिरिराज उठाया, कहाँ उन्होंने पुतना को मारे, कहाँ उन्होंने शकटासुर को मारे, अभी किसको पता ही नहीं। तुम ये लीला स्थलियों को प्रकाशित करो और ये ठाकुर जी को प्रकाशित करो, फिर ठाकुर जी का आशीर्वाद से तुम्हें दर्शन मिलेगा ठाकुर जी को। इसलिए उन्होंने विशेष करके बहुत ठाकुर तो उन्होंने प्रकाशित किए हैं। कहते एक ठाकुर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये जो तीन ठाकुर है, कहते एक ठाकुर तो भगवान की बख्य स्थल, एक उनका चरण कमल और एक मुखार मिल। कहते अगर एक सूर्यास्त में
ये तीनों ठाकुर को कोई दर्शन कर ले बोले उनको कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता है। और एक ठाकुर जी स्थापन किए जिनका नाम साखी गोपाल। ये ठाकुर जी, अब लोग कोई जगन्नाथपुरी गए हो? कौन जगन्नाथपुरी गए? जगन्नाथपुरी से एक स्टेशन पहले, उस स्टेशन का नाम है साखी गोपाल। क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन से वो चलते 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 साखी देने के लिए ठाकुर जी चलते चलते उड़ीसा चले गए, इसलिए वो स्टेशन का नाम ही साखी गोपाल वो स्थान का नाम है। ऐसे उन्होंने बहुत सारे ठाकुर जी को उन्होंने स्थापन किया। स्थापन करने का बाद अभी श्री महिषिव ने देखा हम सबके सब कृष्ण विरह में दुखी है, लेकिन ये यमुना नदी ये तो बड़ी खुश है, इसके अंदर में कोई दुख नहीं। महिषिव ने पूछा कालिंदी तुम ये बताओ क्या तुम्हारी अंदर में कृष्ण विरह है? नहीं। बोले नहीं है। बोले क्यों? बोले राधा रानी का आशीर्वाद है, राधा जी की कृपा से मेरे को पता है अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में से वृंदावन धाम है, कृष्ण कहीं गए नहीं। लेकिन जो व्यक्ति राधा रानी के चरण में शरण लेगा उससे ही ये चीज अनुभूति होगी। बोले भैया हम भी श्री राधा जी के चरण में हम भी आश्रय ग्रहण करेंगे, इसलिए आप लोग वृंदावन में जाओ ना, देखना कोई कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलते हैं वहां पर, किसका नाम लेते हैं? जोर से बोलो। और जोर से बोलो। इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण दर्शन मिलेगा। इसलिए बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोले हम भी सबके सब श्री राधा रानी के चरण में हम भी आश्रय ग्रहण करेंगे हैं। इतने में सबके सब श्री राधा जी के चरण में उन लोगों ने आश्रय ग्रहण किया। बोले ये रहस्य हमें कौन बताएगा? बोले उद्धव जी बताएंगे, क्योंकि ये उद्धव जी जिस समय कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे उद्धव भी वहीं पर था। उद्धव जी ने पूछा प्रभु जी आपका दर्शन हमें कैसे मिलेगा? तब कृष्ण ने इसका तत्व बता करके गए। बोले उद्धव अभी कहाँ मिलेंगे? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन में मिलेंगे। आप लोगों परिक्रमा लगाया गिरिराज की? कौन कौन गिरिराज परिक्रमा लगाए? ठीक राधा कुंड श्याम कुंड से पहले वो जो कुंड है वो श्री उद्धव कुंड। बोले अभी भी उद्धव जी वहीं पर घास बन करके अभी भी भजन कर रहे हैं, ये तत्व उद्धव जी को पता है। बोले चलो हम सबके सब चलते हैं। कृष्ण के 16108 पटरानियाँ और श्री बज्रनाभ परिकृति महाराज सांडिल्य ऋषि सबके सब श्री उद्धव कुंड पर गए और वहीं पर मृदंग मजीरा बजाते हुए बड़ी जोर से ठाकुर को उन्होंने कीर्तन किया है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार सबके जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब सबके सब कीर्तन की कीर्तन का प्रभाव से उद्धव जी वहां पर घास बन करके तपस्या कर रहे थे साक्षात उद्धव जी प्रकट हुए। तब महिष्व ने पूछा उद्धव जी तुम बताओ अभी हम कृष्ण दर्शन कैसे करेंगे? उद्धव जी ने कहा मेरे को कृष्ण ये बात बता कर गए, कृष्ण स्वयं मेरे को बोले। बोले कैसे? बोले हे उद्धव मैं एक स्वरूप में तो मैं जा रहा हूँ अपना धाम में, लेकिन मैं दूसरे स्वरूप में कलयुग में रहूंगा। बोले कहाँ पर? बोले ये भागवत में, इसलिए भागवत में द्वादश स्कंध उसमें 12 खंड है, कर जो प्रथम द्वितीय स्कंध ये कृष्ण की 2 चरण है, जो तृतीय चतुर्थ स्कंध भगवान के 2 जंघा है, पंचम स्कंध भगवान की नाभि कमल, षष्ठ सप्तम स्कंध भगवान की 2 भुजाएं, अष्टम स्कंध ये बांके बिहारी की बख्य स्थल, नवम स्कंध भगवान की कंठ, दसम स्कंध उनकी मुखारविंद, एकादश स्कंध ये ललाट और द्वादश स्कंध ये स्वयं
भगवान की 12 खंड भगवान की सर है। इसलिए ये भागवत नहीं बल्कि ये साक्षात श्री वृंदावन बिहारी कलयुग में जीव को कल्याण करने के लिए इन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में विराजमान हो रहे हैं। पानी है देखो तो पानी बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले ये श्रीमद् भागवत कलयुग में जो श्रवण करेगा बोले भागवत कथा नहीं सुनना है, ये साक्षात कृष्ण को साथ में दर्शन करना। इसलिए आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? साक्षात बांके बिहारी से आप मिल रहे हो। ये कौन कह रहे हैं? ये कृष्ण स्वयं कहते हैं। जब उन्होंने ये बात बताई तब श्री महिषियाँ कहती हैं फिर तो हमें भागवत कथा सुनाओ। इसलिए भागवत कथा सबसे पहले कहाँ पर हुई है और ये भागवत कथा सबसे पहले किसने की? बोले उद्धव जी ने। कहाँ पर? बोले गिरिराज तलहटी में। अब लोग गिरिराज गए होंगे जहाँ पर उद्धव कुंड और कुसुम सरोवर, सबसे पहले वहीं पर श्री उद्धव जी ये कृष्ण के 16,108 महिषियों को वहीं पर कथा सुनाए। सबसे पहले कथा वहीं पर हुई। जब उन्होंने ये भागवत कथा सुनाए, ये भागवत का प्रभाव से, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ से साक्षात श्री बांके बिहारी भागवत ग्रंथ से प्रकाशित हुई। फिर महिषियों ने भगवान को दर्शन किया। नंद बाबा, ब्रज गोपी सबको सब भागवत से प्रकट हुए और उनसे मिल करके इनके मन में बड़े शांति, बड़े आनंद इनको मिला। तब उद्धव जी कहते हैं मेरे गुरु जी जो बृहस्पति मेरे को एक सुंदर कथा सुनाए। बोले क्या कथा सुनाए? बोले जब श्री भगवान कृष्ण ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि की, ये जगत को सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए उन्होंने 3 देवता को उन्होंने प्रकट किया। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम है सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारा काम संहार करना और भगवान विष्णु को बोले तुम्हारा काम जगत का पालन करना। तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं बोले ठाकुर जी ये सृष्टि तो आपका कृपा से कर सकता हूँ, लेकिन ये जो सृष्टि का काम ये रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले ब्रह्मा जी अगर ये श्रीमद् भागवत कथा आप 7 दिन तक सुनोगे इसकी कृपा से ही ये जगत का सृष्टि भी कर सकते हो और ये रजोगुण से आप मुक्ति मिल सकती है। भोले बाबा आए, बोले प्रभु जी ये जो संहार का काम है 4 तरह का संहार है, जो आत्यंतिक लय है जब संपूर्ण ब्रह्म लोक तक भी नष्ट हो जाता है, लेकिन ये जो संहार का काम ये तम गुण का काम, बोले ये तम गुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी और मैं इस संसार को संहार कैसे करूं? बोले आप भी ये कथा सुनो और सुनाओ। देखो ये कथा की कितनी महिमा। कल हम सुन रहे थे ना, ये भागवत का नाम अमर कथा क्यों पढ़ा? क्योंकि शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में ये सबसे पहले ये अमर कथा सुनाए, इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा। इसलिए शंकर जी जब ये कथा करते हैं माँ पार्वती बैठ करके कथा सुनती हैं। बोले कितने दिन में श्री शंकर जी ये कथा को विश्राम देते हैं? हम लोग कितना दिन सुनेंगे? 7 दिन सुनेंगे। लेकिन शंकर जी जब कथा सुनाते हैं, शंकर जी वैष्णव नाम यथा संभव, भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा, और इतनी सुंदर शंकर जी व्याख्या करते हैं उनको 1 साल लग जाती है ये कथा को समाप्त करने में। अभी शंकर जी सुना दिया, अभी माँ पार्वती कथा सुनाती है। ये शंकर जी बैठ करके कथा सुनते हैं, लेकिन जब माँ पार्वती कथा सुनाती हैं तो कितना दिन में कथा को पूरी करते हैं? बोले 2 साल। क्योंकि जो पार्वती है ये माँ वैष्णवी, ये माँ वैष्णवी, इसलिए शंकर जी से भी ज़्यादा सुंदर कथा माँ पार्वती करती हैं, उनसे भी व्याख्या करती हैं अच्छी तरह से, इसलिए उनको 2 साल लग जाती हैं और शंकर बैठ कर कथा सुनते हैं। अभी विष्णु आए, बोले प्रभु सबसे जो महत्वपूर्ण काम पालन करना,
क्योंकि आप कोई चीज को बना सकते हो और तोड़ सकते हो, लेकिन उसको जो मेंटेन करना है ये सबसे बड़ी कठिन चीज है। इसलिए ठाकुर जी सृष्टि का काम तो ब्रह्मा जी को दिया, संहार काम तो शंकर जी को दिया, लेकिन पालन करने का काम किसी को नहीं दिया, ठाकुर जी स्वयं लिया। क्योंकि ये पालन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोले कृष्ण को बोले प्रभु मैं कैसे ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूं, बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए नारायण जब कथा सुनाते हैं लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है। नारायण कितना दिन में कथा को पूरी करते हैं, बोले एक महीना में। फिर माँ लक्ष्मी कथा करती हैं, स्वयं नारायण बैठ कर कथा सुनते हैं, कितना दिन में पूरी करती, बोले दो महीना। यहाँ पर दिखाई पड़ता है जो माताएं हैं ना, पुरुष से ज़्यादा सुंदर कथा करती हैं माताएं, और ज़्यादा व्याख्या करती हैं, हैं? इसका तात्पर्य यह है ये जगत का जो सृष्टि स्थिति प्रलय है वो किसकी कृपा से हो रही है, बोले भागवत की कृपा से ही। ब्रह्मा जी जगत को सृष्टि करते हैं, शंकर जगत को संहार करते हैं, और भगवान विष्णु जगत को पालन करते हैं, ये भागवत की कृपा से। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। अभी भागवत कथा की श्रोता की लक्षण बताए, इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्रोता दो तरह के, कितने तरह के? एक पहला जो नंबर श्रोता श्रेष्ठ श्रोता, और एक कनिष्ठ श्रोता। कहते जो श्रेष्ठ श्रोता हैं, कहते चार तरह के, कितने तरह के बताओ, कौन बोलेगा? मैं क्या कल क्या बताया था, आज हम परीक्षा लेंगे। जो श्रेष्ठ चार तरह का श्रोता बताओ, को किसको याद है, बोलो एक तरह का बताओ, बोलो कौन बोलेगा? हाँ हंस है। देखो ऐसे नहीं कथा इधर सुनो और इधर निकाल करके चले जाओ, कथा ऐसे सुननी चाहिए। दुनिया का तो बहुत सारी बात हम याद रखते हैं, लेकिन जिसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर भगवान की कथा को याद करें और किसी दूसरों को अगर कथा सुनाए, अपना भी कल्याण और उसका भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण कल्याण है, ठीक है ना। इसलिए सात दिन में इतने ज्ञानी आप बन जाओ। ये परीक्षित महाराज को सात दिन में भगवत प्राप्ति क्यों हुई? कारण है उन्होंने एक मन से कथा सुने, हैं एक मन से कथा सुने, तब भी उन्होंने इस संसार से उनको उधार भगवत चरण प्राप्ति हुई। पहला नंबर क्या है? हंस है। हंस का विशेष गुण क्या है? अगर उसको दूध दो वो दूध तो दूध दूध को तो पी लेगा, लेकिन पानी पानी को छोड़ देता है। इसका मतलब है जीवन में सार सार को ग्रहण करो और असार को त्याग दो। और दूसरा नंबर क्या है? मधुमक्खी। जैसे मधुमक्खी हर फूलों को ऊपर बैठी करके केवल शहद शहद ग्रहण करता है, और मधुमक्खी एक छत्ता बना देती है जिस शहद से ठाकुर की अभिषेक होता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए? मधु मक्खी बननी चाहिए। तीसरा नंबर बोलो, कौन बोलेगा? बोलो तीसरा नंबर कौन है? हाँ अरे बोल दिए तुम, तीसरा नंबर बोलो। हाँ तोता। हाँ तोता और चातक है। तोता में विशेष गुण क्या है? वो कच्चा फल में ही चोंच मारेगा, कच्चा फल में नहीं। हमें शिक्षा देते हैं केवल पक्का फल में, मतलब जहाँ भगवान कथा वहीं पर मुंह मारो, सारा दुनिया चीज में मुंह मारने का जरूरत नहीं। जहाँ भगवान की कथा नहीं वहाँ मुंह मारने का कोई जरूरत नहीं, मुंह वहीं पर मारो जहाँ पर भगवान की कथा हो। चौथा नंबर है चातक है। ये जो चातक चिड़िया किसी नदी का पानी किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो केवल स्वाद ही नक्षत्र का पानी पीता है। कहते उसी तरह हमें भी पानी पिए तो कहाँ का पानी पिए, मतलब है पान करे तो कृष्ण कथा मृत को ही पान करे, इधर उधर चीज को पान नहीं करनी चाहिए। कहते ये चार तरह का श्रेष्ठ श्रोता हो गए। कहते चार तरह का कनिष्ठ साधारण श्रोता है, याद है? बोलो। हाँ एक पहला नंबर है ऊंट। ऊंट को अगर आप कोमल कोमल कोई बढ़िया बढ़िया पत्ता दो ना, वो ऊंट नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा बबुल का पेड़ कहाँ है, कांटा कहाँ पर पेड़ है, और कांटा पेड़ को खाएगा उससे खून निकलेगा और उसको ही पीते रहेगा, बड़े खुश होगा। है इसका मतलब है भगवान की जो कथा है बड़ी मीठी है, लेकिन जो दुनिया की जो कथा है ना वो कांटा ही कथा है,
किसी व्यक्ति को पूछो कैसे हो, बोले ठीक है, लेकिन अंदर की बात पूछो। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई परिवार से दुखी दुखी दुखी। इसलिए संसार का बात पूछो ना, दुखी दुखी है, लेकिन भगवान की जब कथा सुनो आनंद ही आनंद है भगवान की कथा है। ऐसे ही कल हम लोगों ने सुना था चार तरह का साधारण श्रोता, मतलब कथा चार तरह के कथा है। कितने तरह का है कल सबको पूछूंगा, देखूंगा कौन उत्तर दे बताए। एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक और एक निर्गुण। भले राजस्य की कथा किसको कहते हैं, कहते राजस्य की कथा उसे कहते हैं जैसे कथा की तो आयोजन हमने किया, लेकिन कभी कभी इतने लोगों को बुला लिया बाहर से अपना परिवार से, कौन कहाँ रुकेगा, कौन क्या खाएगा, बस केवल उसी में ही बिजी रह गए। लेकिन जो असली चीज था कथा सुने, अपना जीवन में ज्ञान को आहरण कर, वो चीज़ नहीं हो पाई। जो असली चीज़ तो रह गई, केवल दूसरों को देख रेख में ही पूरा समय को उसमें बिता देना, इसको कहते ये राजसी कथा, ये कथा सही नहीं। दूसरा नंबर तामसी कथा, जैसे कथा सात दिन तक रखे हैं, कभी आए कभी आए नहीं, कभी सुने नहीं, थोड़ी समय बैठ कर मन नहीं लगा, थोड़ा एक चक्कर लगा करके आगे, इसलिए किसी तरह से सात दिन बिता देना ध्यान बिना ध्यान से, इसको कहते ये तामसी कथा, ये कथा सही नहीं है। कभी ये सात्विक की कथा किसको कहते हैं, बोले एक महीना हो नहीं तो दो महीना हो कथा तो सुनते हैं, लेकिन फिर उसको बाद में फिर कथा से भक्ति से कोई मतलब नहीं। जब तक तो कथा सुने तब तक तो भजन किया भक्ति करते हैं, लेकिन उसको बाद में फिर कथा बता से कोई मतलब नहीं। लेकिन वास्तव कथा किसको कहते हैं, निर्गुण कथा किसको कहते हैं, बोले सदा सेव्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितंग समाश्रय। वास्तव कथा है जिसने अपना जीवन को ही कथा बना लिया, नियम करके भागवत का कोई एक अध्याय पढ़ो, नहीं तो रामायण का कोई पाठ करो, नहीं तो भगवत गीता जो सद ग्रंथ है रोज करके नियम करके जो ये भागवत कथा को पढ़ते हैं, कहते ये कथा सही कथा है। इसलिए क्या करनी चाहिए, रोज नियम करके कथा सुनाओ। देखो एक समय हमारे गुरुजी के पास में, ध्यान देकर सुनो, कोई एक व्यक्ति आए, बोले गुरुजी बेटा बात नहीं सुनता है, बेटा बात नहीं सुनता है। गुरुजी ने बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले रामायण पढ़ोगे नहीं बेटे को पढ़ाओगे नहीं तो बेटा बात कैसे सुनेगा। अगर रामायण पढ़ते पढ़ाते, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ ना प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता, ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, पिता माता की चरण स्पर्श करते थे। रामायण पढ़ोगे तभी तो बच्चों को पढ़ाओगे, लेकिन बच्चों को तो स्मार्टफोन तुमने पकड़वा दिया, बच्चों को तो बोला ही नहीं भैया तेरा गीता पढ़ो रामायण पढ़ो, ये तो कभी तुमने बताया नहीं, खुद को कोई मतलब नहीं, तो बच्चों को अंदर में संस्कार कहाँ से आएगा। खुद पढ़ोगे तब तो बच्चों को पढ़ाओगे ना। इसलिए अगर ये शास्त्र ग्रंथ पढ़ेंगे फिर तो गुरुजन को हम सम्मान देंगे, सभी को आदर देंगे, सभी को इज्जत करेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, खुद भी ग्रंथ पढ़ो, दूसरों को भी भागवत गीता ग्रंथ दूसरों को भी पढ़ाओ। इसलिए कहते जो नित्य ये ग्रंथों को सेवन करते हैं, कहते ये सही, ये यही निर्गुण हैं। हर रोज घर में ठाकुर को सेवा पूजा आरती तुलसी परिक्रमा जो व्यक्ति करते हैं, कहते यही वास्तव रूप में इसको ही कथा कहते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री एक भजन गाओगे, बोले जय जय श्री राधे, एक भजन सुनिए। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत लो रसना राधे राधे हो, रसना राधे राधे हो, रसना राधे राधे हो। Oh,
दिल दिमाग से सबसे कमजोर बन गया है। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी के दरबार में थे, यहाँ पर कोरोना का बिल्कुल भूल जाइए और बड़े भाव से मस्ती में लोग हो, जिनको नाचना आता वो नाच करके ठाकुर को ले जाएंगे, नहीं तो बाकी के ताली सेवा जरूर करें, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते बोले Thank you.
भले जन्मादस्य जतन्यादितरतस्य स्वार्थी स्वभिक्षुराट तेने ब्रह्म हृदायो आदिकवये मुह्यन्ति जत सुरयो तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा ध्याना स्वेन सदा निरस्त कुअकम सत्यंग परम धीमहि। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते हैं, कहते तीन श्लोक में वो मंगलाचरण करते हैं, और जो पहला नंबर श्लोक है ये ध्यान, ध्यान मतलब होता है हम संबंध किसको साथ में जोड़े, कहते उसको साथ में संबंध जोड़नी चाहिए जो सत्य हो, जो साधारण सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य हो उनको ही साथ में संबंध जोड़े, हम उनको ही ध्यान करते हैं। अभी इसी विषय पर भी बहुत तर्क वितर्क है, क्योंकि जो ये पहला श्लोक है उसमें किसका नाम ही नहीं दी गई, इसमें केवल गुण 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 बताया, किसका नाम नहीं दिया गया। इसलिए जो शंकर जी को पूजा करते हैं कहते वो परम सत्य को, बोले भोले बाबा। अभी जो देवी माँ को, गणेश जी को, हनुमान को पूजा करते हैं, बोले परम सत्य, बोले हनुमान जी माता देवी। बड़े इसी विषय पर बड़े आपस में बड़े तर्क वितर्क है, लेकिन श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कहते ये जो पहला जो श्लोक है ना, इसमें किसी का नाम नहीं, ये केवल श्री वाक्य विहारी का नाम है, वही केवल परम सत्य है। बोले इसका प्रमाण क्या है, बोले जब वो मातृ गर्भ में आते हैं ठाकुर जी, अब हम आगे सुनेंगे, 33 करोड़ देवता एक साथ में ठाकुर जी को स्तुति करते हैं। वो स्तुति क्या है, बोले सत्यम परम सत परम त्रिसत्य सत्य स जोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्यम मृत सत्य नेत्री सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। ये 33 करोड़ देवता कहते जो परम सत्य हो, जो पहले थे अभी भी है बाद में जो पूर्ण रूप में रहेंगे, वो कौन है, पूर्ण ब्रह्म सनातनम श्री वाक्य विहारी। बोले श्री वाक्य विहारी की जय। कहते वो कौन है, बोले जन्मादस्य जता, बोले जिनसे जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। अभी सुन रहे थे जो ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि करवाते हैं, शंकर के द्वारा जो संहार, और विष्णु के द्वारा जो पालन कराते हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही। कहते जिनकी माया ऐसे है, जो बड़े बड़े देवता मुह्यन्ति जत सुरयो, हम आगे सुनेंगे, जिनकी माया में स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए, जिनकी माया में स्वयं इंद्र मोहित हो गए, जिनकी माया से 33 करोड़ देवता जब कृष्ण पारिजात वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग में गए, सारे देवता प्रभु को साथ में लड़ पड़े, और सारे देवता को जिन्होंने परास्त किया, ऐसे कौन है, श्री वाक्य विहारी। कहते ऐसे जो वाक्य विहारी है, हम सब के सब उनके चरण में प्रणाम करते हैं। लेकिन हमारे रसी के जो टीकाकार लोग कहते हैं, बोले भैया ये श्लोक में क्या कृष्ण को ही प्रणाम करते ना, और कौन है, बोले नहीं, कहते अकेला कृष्ण को तो पूजा करनी नहीं चाहिए, कहते जो अकेला कृष्ण को पूजा करते वो अज्ञानी है, इसलिए राधा रानी को साथ में कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, अकेले कृष्ण को पूजा नहीं। इसलिए ये श्लोक में जो सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य बताए, ये परम शब्द है, कहते राधा कृष्ण का जो पराशक्ति देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता, कृष्ण को जो पराशक्ति श्री राधा रानी, कहते हम राधा जी को साथ में श्री कृष्ण को पूजा करते हैं, हैं? इसलिए वृंदावन में किसके नाम लेते हैं सबके साथ, राधे राधे, बोलो जोर से और जोर से, कहते वृंदावन में राधा जी का नाम क्यों लेते हैं, कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तमम, धा शब्द कुर्बन पश्चात धा विश्रवण लोभा। अगर किसी ने राखर बोल दिया, कृष्ण कहते हैं मैं तो सुन करके चिंता में पड़ जाता हूँ, मेरी राधा रानी का रा शब्द बोला,
इसलिए जिस समय जिस अक्षर में रा शब्द हो ना, जिस पद में, उसमें रस होता है। कि जैसे आम्रम, उसमें रस शब्द, इसलिए उसमें आना रस है। कृष्ण क्रिमेरी रस शब्द, राम रा, इसलिए जिस नाम में रा हो ना उसमें जरूर रस होगा। इसलिए रा है, कहते रस स्वरूपिणी श्री राधा रानी, जो वैदग्ध सिंधु, रनुरागय के सिंधु, अमृत सिंधु, छवि रूप सिंधु, श्री राधिके स्फुरत में हृदय केल सिंधु, राधा रानी सारे रस का राधा रानी। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए यहाँ कहते हैं हम श्री किशोर जी को, श्री राधा जी को, साथ में कृष्ण को हम सबके सब श्री प्रणाम करते हैं। इसलिए जुगल सरकार की उपासना करनी चाहिए, अकेले कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक भजन है ना, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बोले राधे राधे रटो राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी बोली वाली चंचल 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 बिहारी, राधे राधे रा अक्षर बोलने पर कृष्ण खुद को खुद दे देते हैं। अगर कोई धा अक्षर बोले ना, कृष्ण कहते हैं ये दो अक्षर सुनने के लिए, तो उसको पीछे 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 में घूमता रहता हूँ। जो राधा रानी नाम लेगा बाकी भी यार इसको पीछे पीछे अपनी आवाज आएगी। इसलिए यहाँ पर श्री जुगल सरकार की वंदना करते हैं। और जो दूसरा जो मंगलाचरण का श्लोक है, कहते उसमें क्या बताए, बोले प्रतिज्ञा, बोले भागवत क्या प्रतिज्ञा लेता है, कहते एक श्लोक में तीन बार अत्र 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 अत्र, मतलब ये श्रीमद् भागवत में है क्या चीज, बोले धर्म प्रोजीत कैतव अत्र, बोले ये भागवत में कोई कपटत्ता धर्म नहीं, धर्म अर्थ काम ये दुनियादारी का कोई बात ही नहीं, यहाँ तक भी मुक्ति की बात को भी निकाल दी, जिसमें शुद्ध रूप में भगवान के प्रेम और भगवान की भक्ति की बात जिसमें बताई गई। और जो दूसरा अत्र है, बोले वेद्य वास्तव मत्रम, भागवत में जो वास्तव जो भगवान है उनकी बात जिस ग्रंथ में बताया। और जो तीसरा अत्र है, बोले सद्य हृदय अवरुद्धते अत्र। देखो ये भागवत कथा की कितने महत्व है, जैसे हमारे श्री ओम बिरी प्रभु जी के घर में कथा हो रही है, इन्होंने निमंत्रण दिया कथा सुनने के लिए, आओ। अब अभी कथा सुनने नहीं आए, घर में हो, लेकिन इनकी नौता पहुंचा, भागवत कथा हो रही है, आना। अगर किसकी मन में इतनी मात्र इच्छा हो जाए मैं कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, कहते केवल इच्छा मात्र अगर किसकी हृदय में हो गई ना, उसी समय में ही श्री ठाकुर जी उसके हृदय में अवरुद्ध थे। अवरुद्ध थे मतलब जैसे एक व्यक्ति घर में घुसे और अपने आप का अंदर से कुंडी लगा दे, खुद को खुद, केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही ठाकुर जी जिसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते, बंद हो जाते हैं, ठाकुर को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई वास्तव में कथा में आकर के बैठ जाए, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भले उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति कितने पुण्यात्मा जो भागवत कथा में बैठा। बोले कथा कौन सुन सकते हैं, बोले सुश्रुषु भी, सभी नहीं सुन सकते हैं, जिनके करोड़ों करोड़ जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ है वही कथा में बैठ सकता है, सभी कथा में बैठ नहीं सकते। अगर कोई बोलेगा हम तो बड़े पापी है क्या कथा में बैठ सकते हैं, बोले आओ केवल कथा में बैठ जाओ और कुछ करने का जरूरत नहीं। कथा सुनते सुनते ही जैसे धुंधुकारी कितना बड़ा पापी था, लेकिन वो कथा सुनते सुनते ही पुण्यात्मा बन गया। बोले आओ केवल कथा में बैठ जाओ
वास कथा सुनते सुनते ही अपनी आप पुण्यात्मा बन जाओगे हैं तत्क्षणात्। उसी समय में ही ठाकुर जी उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कहते ये भागवत का ये प्रतिज्ञा है। कहते भागवत आशीर्वाद क्या देते हैं, जो तीसरा श्लोक है वो भागवत आशीर्वाद देते हैं। बोले क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर रसिका भूमि भागुका। बोले हम ये कथा नहीं सुन रहे हैं, कल्प वृक्ष को नीचे बैठे, ये भागवत नहीं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब क्या, आप 7 दिन अगर ठीक ठीक से कथा सुनो, एक मन से केवल कथा सुनो, आप भागवत से जो मांगोगे भागवत आपको सारी इच्छा 7 दिन में पूरी कर देगा। क्योंकि ये भागवत ये कल्प वृक्ष है, एक मन से केवल सुन लो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं, भैया जो मांगने वाले उनको तो पता होनी चाहिए हमें मांगे क्या भागवत से। एक उदाहरण देकर समझाए, कोई एक ब्राह्मण के पास में एक गैया थी, उसने कुबेरे को उपासना की। कुबेरे कौन है, स्वर्ग में सारे धन दौलत के जो मालिक। कुबेरे खुश हो गया, बोले बेटा भर मांगो क्या चाहते हो। लेकिन बेचारा गरीब ब्राह्मण बुद्धि भी गरीबी है, बोले मेरे पास में एक गैया है, गैया को खाने के लिए थोड़ा चूना भूसी दे दो। कुबेर बोले देखो कितना बेकूफ है, अरे मैं धन कुबेर हूँ, मैं इतने धन दौलत तेरे को दे सकता हूँ, इसी जीवन में भी खा अगली जीवन में भी खा, 10 पीढ़ी तो खाओगे तो भी खत्म नहीं होगा, इतने में धन दौलत तेरे को दे सकता हूँ, लेकिन तू मांगा तो मांगा किया गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना भूसी। तात्पर्य क्या है, कहते भागवत से ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांग लिया ना, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर का दुख कष्ट चिरकाल के लिए खत्म, जीवन में परम शांति परम आनंद की प्राप्ति होगी जन्म जन्मांतर तक। वो क्या है, बोले भगवान की भक्ति और भगवान के प्रेम ठाकुर जी से मांगो। इसलिए भगवान राम जब से हनुमान जी को बोले बेटा बर मांग, आज तो जो कुछ मांगोगे ना सब कुछ देने के लिए तैयार ही हूँ, क्योंकि तू नहीं होता तो सीता माता की उद्धार नहीं होता, तेरी वजह से ही सीता माता की उद्धार हुई, इसलिए आज मैं खुश हूँ मांग लो बेटा। देख हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार बर मांगो हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। हनुमान जी सी को बोले प्रभु आपके चरण में बारंबार एक ही चीज मांगता हूँ। बोले क्या है, आपके चरण में भक्ति अनुपायनी अहितु की भक्ति और संतों का संग दो, आपकी प्रेम हमें दो। भगवान हनुमान का आशीर्वाद देते हैं। रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, अब देखना जब श्री भगवान राम जब हनुमान के सर पर हाथ रखते हैं ना, देखना कैलाश में शंकर पार्वती को दिखाया, क्यों हनुमान जी कौन है, भोले बाबा ये शंकर जी, जब हनुमान जी के सर पर हाथ रखा वो कैलाश में शंकर जी को दिखाया, वो हाथ शंकर जी के सर के ऊपर में, और शंकर जी इतने खुश हो रहे हैं, कहते पार्वती देख ठाकुर जी मेरे सर पर हाथ रख दिए, ठाकुर जी आज ठाकुर जी हमें अपना प्रेम और भक्ति दे रहे हैं, आज तो मेरे जीवन धन्य हो गया है, हैं ये शंकर जी कहते हैं, हैं। इसलिए अगर आपकी भक्ति धन प्रेम धन मिल गया ना, आप समझो सब कुछ आपको मिल गया जीवन में, धन दौलत पुत्र परिवार दुकान मकान सब कुछ आपको जीवन में मिल जाएगी, क्योंकि भक्ति धन यहाँ पर सब धन वहीं पर आ जाती है, हैं। इसलिए हनुमान जी को बताओ क्या नहीं मिला, बताओ हनुमान जी को, हम तो दिन भर हनुमान को पूजा करते क्या नहीं मिला, केवल भक्ति से ही मिला। शंकर जी को क्या नहीं मिला, केवल भक्ति से ही मिला है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान को ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगो तुमको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, वो प्रभु की सेवा है, प्रभु जी का भक्ति। अगर आप भगवान की बेटा बन गए, भक्ति मतलब आप भगवान की बेटा बन गए, जैसे हनुमान जी राम की बेटा बन गए, बता भगवान की जो बेटा बन जाएगा तो भगवान का सारे संपत्ति तो बेटा ही मालिक।
भगवान के बेटा बन गया मतलब ठाकुर का सारे संपत्ति का मालिक तू हो, ये भक्ति मतलब ये है, हैं? इसलिए कहते ये भागवत तो कल्प वृक्ष है लेकिन मांगना सीखनी चाहिए। क्या मांगो? भगवान की भक्ति। बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संजुतम। बोले भागवत क्या है? ये कहते ये वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल है। एक तो पका हुआ फल है ही है लेकिन इतने में सुख मुखात अमृत द्रव संजुतम। पर सुख पक्षी ने तोता ने उसको चोंच मारी, इसलिए एक कहावत है जिस फल में तोता ने चोंच मार दिया ना उसमें ज्यादा मिठास आ जाती है। और जो तोता का एक विशेष गुण है वो कच्चा फल में चोंच नहीं मारेगा, मारेगा तो पक्के फल में चोंच मारेगा। मतलब ये जो भागवत है ये पक्का हुआ फल है जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें केवल रसी रस है। इसलिए क्या बोले? सुख मुखात सुखदेव गोस्वामी मुंह से जब कथा निकली ये अद्भुत कथा बन गई। बोले कारण क्या है? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतकनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहते जो सुखदेव गोस्वामी ये कोई साधारण सुख नहीं, ये गोलोक वृंदावन में राधा रानी के निकुंज में रहने वाले ये सुखदेव गोस्वामी सारे लीलाओं को जो दर्शन किया और कभी कभी राधा रानी इनको अपना हाथ में बैठा करके उनको प्यार करती हैं और अनार की दाना खिलाती हैं। वो कहती हैं तोता बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी बड़ी मीठी मीठी शब्द से बोलते कृष्ण कृष्ण। और कभी कभी राधा रानी क्या करती हैं वो सुखदेव को तोते को चुंबन करती हैं, चुंबन करने पर राधा जी की जो अधरा अमृत ये सुखदेव गोस्वामी उनमें लग जाता। इसलिए हम आगे सुनेंगे जहाँ पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए एक से एक हैं, कोई 100 वर्ष के 500 वर्ष के 1,000 वर्ष के, लेकिन जब कथा सुने ना ये सुखदेव गोस्वामी से कथा सुने सबसे छोटे जो बच्चा था, हाँ सबसे छोटे कारण किया कारण है ये राधा रानी की ये प्रिय तोता है, हैं? इसलिए कहते इनकी मुंह से जब कथा निकली उसमें ज्यादा सा मिठास हो गई। बोले भैया इसको क्या करो? बोले खूब पियो। क्या करो? इसको खूब पियो। बोले पियेंगे कैसे? आप तो बताया ये जो भागवत है ये कल्प वृक्ष का फल है, बताओ आप फल को खाते हो ना फल को पीते हो? अरे बोलो फल को खाते ना फल को पीते हो? खाते हैं, फल को कोई पीते नहीं। लेकिन यहाँ कहते बोले आप पियो। बोले पियेंगे कैसे? आप तो फल बता दिया। बोले ये ऐसे के फल है ना जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें रसी रस है, जिसमें रसी रस है। जैसे अभी वो रस का हम पीते हैं, ये रस का भी हम पी रहे हैं। जब कोई चीज को पीते हैं किधर से पीते हो? बोला किधर से पीते हो? मुंह से पीते हैं। लेकिन अभी जिस रस को पी रहे हैं किधर से पी रहे हो? कानों से। बोले ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, जिसको कानों से पी जाती है, जिसको कानों से पीते। बोले मुंह और कानों से फर्क क्या है? बोले कोई भी चीज आप मुंह से पियो ना वो नीचे निकलेगा, आप रख नहीं सकते, वो निकलेगा ही। लेकिन कोई चीज अगर कानों से पियो कभी निकलेगा फिर? इसलिए कभी जो कथा को मुंह से मत पिया करो। कहाँ पर पियो? कानों से पियो। बोले पीते तो है लेकिन सब निकल जाती है क्योंकि शरीर में बहुत छेद है, काम क्रोध लोभ सब छेद ही छेद है, इधर से पियो उधर से निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाते हैं ऐसे कौन सा उपाय है भले ही तुम्हारे हृदय में जितने छेद क्यों नहीं हो लेकिन पियोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा। बोले उपाय किया, एक उदाहरण दिया, जैसे आप लोग मेरे को उत्तर देना, जैसे एक कलसी है जिसमें छेदी छेद है, अगर पानी डालोगे तो क्या होगा? निकल जाएगा। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है भले ही जितना छेद क्यों नहीं हो लेकिन निकलेगा नहीं, ऐसे क्या उपाय है? हाँ कह दो घड़े को पानी में ही डुबो दो। पानी में अगर डुबो दोगे भले ही जितना छेद हो पानी निकलेगा क्योंकि ऑलरेडी वो पानी में है। इसलिए कहते मुहु रहो, ये कथा को पीते ही रहो, हर समय पीते ही रहो। अगर पीते रहोगे ना भले ही जितने तुम्हारी अंदर में छेद हो निकलेगा नहीं। जैसे देखो अभी हम सब सबके सब बैठ कर पी रहे तो है ना,
हम सभी का हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सभी के हृदय में। लेकिन किसको काम सता रहा है, ना लोभ सता रहे, ना मोह सता रहे, कोई चीज याद आपको है क्या? कोई चीज भी याद नहीं। क्यों? हम वो कथा रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। अगर कहते अगर हर समय कथा में गोता लगा रहोगे ना, जितने काम क्रोध क्यों नहीं हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए श्री ध्रुव महाराज स्वयं कहते हैं, भक्ति मुहु प्रभवताम तोई में प्रसंग। बोले हे प्रभु, केवल हमें साधु संग दो। जिस साधु संग में केवल कथा सुनते रहे, वो कहते हैं कभी जो माया को जितना बड़ा कठिन है, लेकिन संतों के साथ में अगर हर समय हम कथा सुनते रहेंगे तो ये माया हमारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? साधु संग में ही हम कथा में गोता लगाते रहोगे तो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हर समय उसको पीते रहो, फिर तो तुम्हारी कुछ होने वाले नहीं। इसलिए कहते उसको कौन पी सकते हैं, बोले केवल दो व्यक्ति पी सकते हैं। कितने व्यक्ति? कौन कौन? बोले रसिका और भावुका। जो रसिक और जो भावुक है, केवल ये रस को वही दो व्यक्ति पी सकते हैं। ये रस को सभी पीने का अधिकार है ही नहीं। इसलिए देखो यहाँ पर कितने लोग आए, निमंत्रण दिए होंगे। बोले हाँ, हमारे प्रभु जी निमंत्रण दिए, लास्ट दिन एक बार मुंह दिखाने के लिए आ जाए। बोले चलो, उन्होंने बुलाया नहीं तो बुरा मानेंगे, चलो एक बार घूम करके आ जाते। लेकिन क्लब में रोज जाएंगे, डिस्को डांस में रोज जाएंगे, गंदी चीज पे रोज जाएंगे, लेकिन कथा में नहीं आएंगे। इसलिए शंकर जी कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा I'm
क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासते। अभी ये घोर कलिजुग आने पर सौनकाद ऋषि लोग डरते हुए ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले ये कलिजुग से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, वो चक्र जहाँ पर गिरेगा समझना वो पवित्र स्थान, वहीं पर भजन साधन करो, ये कलिजुग तुम्हारे ऊपर में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। वो चक्र जा करके नैमिषारण्य में गिरा और वहीं पर बैठ करके सौनकाद ऋषियों ने बड़े दिनों से यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते करते उनको दाढ़ी उनकी मोच केश तक जल गया, हृदय तक भी जल गई, लेकिन इनको शांति नहीं मिल रहा है। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी वहाँ पर आए और उन्होंने सुत गोस्वामी को देख करके उन्होंने उनको प्रणाम किया, आसन दे करके बैठाया। बोले हे सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से सारे वेद पुराण इतिहास को आपने सब कुछ गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त किया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो शास्त्र है ना, अगर कोई सोचे हम तो बड़े विद्वान हैं, हम तो सारे संस्कृत पढ़ रखा है, हम अपने आप ग्रंथों को पढ़ करके समझ जाएंगे। बोले नहीं, ये जो ब्रह्म विद्या ये गुरुमुखी विद्या है, ये गुरु परंपरा से ही ये विद्या आता है। इसी जगत में भी देखना जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, आपको पास में तो पुस्तक होता है लेकिन किसी एक्सपर्ट किसी टीचर को पास में जाना पड़ता है, पुस्तक होने पर भी आप पढ़ नहीं सकते। ये तो साधारण विद्या है और तो ये ब्रह्म विद्या भगवत भक्ति विद्या ये अपने आप पढ़ने का वस्तु नहीं, ये संतों की अनुगत्य में ग्रंथ पढ़नी चाहिए। बोले आप तो गुरु जी के आशीर्वाद से सारे पढ़ चुके हो, सारे ज्ञान भी प्राप्त किए हो, इसलिए आप बताओ ये घोर जो कलयुग है, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कलाभस्मीन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य झुप द्रुता। ये कलिजुग का क्या है महिमा वर्णना कर रहे हैं। बोले कलिजुग में प्राय करके लोग अल्प उम्र बचने वाले, सत्ययुग में 100,000 साल जिंदा रहते थे, लेकिन जब त्रेता युग आ गए ना 10,000 हो गया, फिर जब द्वापर युग हो गया 1,000, फिर जब कलिजुग आ गया 1,000 से 10 हटा तो कितना रह जाएगी 100। अभी कलिजुग में 100 साल उम्र हो गया, अभी 100 साल भी कोई जिंदा नहीं रहते, क्यों, जितने सब हाइब्रिड देकर चीज़ बनती हैं कोई प्योर चीज़ बनती नहीं, कोई भी प्योर चीज़ बनेगा नहीं, सबके सब हाइब्रिड दे करके हर चीज़ अभी बना रहे हैं, इसलिए इसमें ताकत ही नहीं रह गया, इसलिए 60-70 साल 80 साल हो गया तो बहुत हो गया है। और पहले ये नियम होता था, जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया ना, उन्होंने बच्चे को लाकर कृष्ण के सामने पटक दिया, बोले राजा का अधर्म से मेरा बच्चा मरा है, क्योंकि उसी समय में नियम था जब तक आयु पूरी नहीं हो जाए कोई नहीं मरेगा। लेकिन कलयुग में देखो जैसे ये कोरोना आया कितना लोग मर रहे हैं, क्यों, कलयुग में कोई जैसे श्वास हमने छोड़ा है दूसरा बार भी श्वास ले पाएंगे कोई बोल सकता है, कोई गारंटी किसके पास में, कोई गारंटी नहीं है, कलयुग में किसी समय भी हम मर सकते हैं, इसलिए बोले कलयुग में विशेष करके परमायु बहुत कम है, केवल कम इतना नहीं बोले झुप द्रुता अल्पायुष मंद सुमंद मतयो। कलयुग में लोगों का जो मन है अत्यंत तो मंद मन है, स्वाभाविक रूप में देखना गंदी चीज में स्वाभाविक रूप में जाता है,
और भजन के लिए भी बैठो 10-15 मिनट देखो तभी भी मन कहाँ कहाँ भटकता रहता है। मन स्वाभाविक रूप में गंदे चीज में जाती है, विशेष करके कलयुग में जो टीवी आ गया, ये स्मार्टफोन आ गया, इंटरनेट आ गया, ये तो पूरा के पूरा लोगों को बिगाड़ दिया जीवन में, इनका जीवन को तो पूरा मिट्टी में मिला दिया बच्चों का जीवन। इतने सबसे अगर गंदा संगत हो ये मोबाइल ही है, स्मार्टफोन ही है, बच्चों को बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मंदास मंद मतयो फिर झुपद्रुता। झुपद्रुता मतलब क्या? अगर पत्नी अगर थोड़ी सी भक्ति करने के लिए बढ़े प्रभु का नाम, पति बोलेगा कौन सा बाबा जी के चक्कर में पड़े, हाँ जब देखो माला भागवत लेकर बैठ जाती है। अगर पति अगर भक्ति में थोड़ी कहीं सत्संग मिला रुचि, पत्नी बोली कोई काम धाम नहीं, जब तक गीता भागवत लेकर के बैठ जाते हो। अगर बच्चे अगर कहीं भक्ति में रुचि हुआ, पिता माता क्या बोलेंगे, ये कोई उम्र है तेरा भजन करने का, लेकिन सिगरेट और शराब पिए ना, ये तो उम्र है, हैं वेरी वेरी गुड, बच्चा अभी सिगरेट पीना शराब पीना सीख गया है, हैं और लड़की को पीछे गर्ल फ्रेंड बनाना सीख गया है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर भक्ति करने आ गया ना, बल्कि एक तरीके की उम्र है भजन करने का, ये अभी से क्या माला पकड़ लिया तुमने, हाँ अभी क्या भजन कर रहे हो, बोले इतने उपद्रव ये कलयुग में। इसलिए श्री सौनकादि ऋषि लोग कहते हम भजन कैसे करें आप बताओ। तब उन्होंने श्री सुत गोस्वामी को उन्होंने 6 प्रश्न किया है। ये जो 6 प्रश्न है ना, ये 6 प्रश्न का उत्तर है ये पूरी भागवत है। अभी मैं 6 प्रश्न बताऊंगा, फिर कल सुनूंगा, देखूंगा मेरे कौन याद बोल पाता है। ठीक है, जो पहला प्रश्न है ये करोड़ों रुपया की प्रश्न है। पहला प्रश्न है ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। आप देखो जीवन में हम जो कुछ करते हैं किस लिए करते हैं, शांति के लिए, सुख के लिए। लेकिन आप स्वयं प्रैक्टिकल रूप में देखना, जैसे घर में एक समस्या हम सोचते हैं किसी तरह से एक समस्या हल हो जाए चैन मिलेगा, लेकिन स्वयं देख लेना एक समस्या तो दूर हुई नहीं, 2 समस्या सामने खड़ी है। फिर सोचते हैं कि 2 समस्या हल हो जाए शांति मिलेगी, घर में 3 समस्या। जैसे हाथी दल में जैसे फंस जाता है, हम भी ऐसे दल में केवल समस्या को दूर करने के लिए उसको पीछे लगे हुए। और सुख किसको मानते हैं, केवल समस्या दूर को ही सुख मान रहे हैं, सुख जिंदगी में नहीं आता है। कि कुछ समस्या दूर होगा तो सुख शांति आएगी ना, वो तो समस्या को पीछे लगते लगते पूरा जीवन ही गया तुम्हारी, तो सुख मिला कहाँ से तुमको। इसलिए इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। जो दूसरा प्रश्न है वो सब जुड़ा हुआ है कलयुग में, क्योंकि जब तक जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं होएगा, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख होकर के रावण तो कभी सुख नहीं मिला, सोने की लंका जैसे कितने सुंदरी पत्नी, एक से एक जहां उसको मिला सुंदरी पत्नियां पकड़ ला अपना पत्नी उसने बनाया है। इसलिए कहते हैं कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, भगवान मिलेंगे कैसे। तीसरा प्रश्न है आप कृपा करके हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण 3 हैं, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में भी लीला की, कृष्ण मथुरा में लीला की, कृष्ण द्वारका में भी लीला की। हमें ये तीनों धाम और तीनों कृष्ण की कथा सुनाओ। चतुर्थ प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान अनंत अवतार लिया है, मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह, ये अवतारों का भी कथा सुनाओ। इनका जो पंचमा प्रश्न है भगवान की अद्भुत जो जस है भगवान की अद्भुत पराक्रम की कथा सुनाओ। और छठवां प्रश्न है भगवान जब ये दुनिया छोड़ करके चले गए ये धर्म कलयुग में कहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया है, ये हमें ये 6 प्रश्न का उत्तर दो। जब 6 प्रश्न की इसको सुन करके सुत गोस्वामी जिनके रोम रोम खिल उठा, बोले क्यों, बोले ये जितने सारे प्रश्न हैं ये भगवत संबंधी प्रश्न, कोई दुनियादारी का प्रश्न नहीं, जिसमें केवल भगवत चर्चा होगी,
इसलिए बड़ी खुश हो गई। खुश हो करके बोले, मैं अपना गुरु जी को पहले प्रणाम करके फिर आपके उत्तर देता हूँ। बोले बंदा हूँ गुरु पद पदो माँ परागा, पहले गुरु जी के चरणों को वंदना किया। बोले क्यों? कितना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं बली हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बता। अगर भगवान गुरु जी खड़े हुए तो सबसे पहले किसकी चरण में प्रणाम करो? पहले गुरु जी के चरण में प्रणाम करो, बाद में ठाकुर जी के चरण में। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले प्रथमंतो गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम। बोले हे उद्धव, पहले अपना गुरु जी की चरण की वंदना करो, उसको बाद में फिर मेरे को प्रणाम करो, नहीं तो तुम्हारी पूजा सब निष्फल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु जी की चरण में प्रणाम किया। बोले मेरे गुरु जी कौन है? बोले साधारण नहीं। बोले जम प्रभजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम, जो मातृ गर्भ में बच्चा 9 महीना रहता है, मेरे गुरुदेव तो 16 साल तक रहे, वो निकलना नहीं चाह रहे थे। व्यास देव बोले भैया तू कौन हो, माँ को इतना कष्ट क्यों देते हो, निकल करके आ जा। बोले पिताजी मैं यहीं पर बढ़िया हूँ, क्योंकि बढ़िया भजन हो रहा है, और संसार में जाऊँगा तो माई आप भगवान को भूल जाऊँगा, यहाँ पर तो ठाकुर का बढ़िया भजन हो रहा है, मस्त है, इसलिए कोई चिंता नहीं, यहीं पर मेरे को बढ़िया लग रहा है। यहाँ शिक्षा देते हैं, देखो ध्यान से सुनो, शिक्षा देते हैं वहीं पर रहो जहाँ पर चैन से भजन कर सकते हो। अगर कहीं जाकर बेचैन से हो गया, जीवन का जो मूल उद्देश्य भक्ति करना वो अगर चला गया तो वो सबके सब बेकार है। उद्देश्य है जीवन में प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम कैसे हो। वो कहते गर्भ में भी जहाँ पर टाटी पेशाब थली, कहते यहीं पर बढ़िया, क्यों प्रभु का भजन हो रहा है ना। अगर भजन नहीं हो तो सब कुछ बेकार है, हैं? इसलिए बोले निकल करके आओ। बोले नहीं, ये माया बड़े पराक्रम, ये माया पकड़ लेगा। बोले मैं माया को हटाता हूँ। बोले आप क्या हटाओगे, आप भी माया में हो, आप भी माया में पड़े हुए, क्यों? माँ को कष्ट हो रहा है, ये भी माया है। बोले फिर माया को कौन हटा सकता है? बोले कृष्ण स्वयं, भगवान खुद कहते हैं दैवी जैसा गुणमयी मम माया, ये माया मेरी माया है, इसलिए मैं ही माया को दूर कर सकता हूँ, मेरे सिवाय माया को कोई दूर नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाए, बुलाने पर श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। जोर से बोलो, अकेला प्रभु जी का आवाज बुरा रहे, आपका आवाज आ ही नहीं रहा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जो प्रकट हुए, अभी उनको उपनयन संस्कार भी नहीं हुई, और वो तो सीधा संन्यास लेकर जा रहे, और पीछे पीछे पिताजी हा पुत्र करके जा रहे थे, प्रतिध्वनि आ रहा था हा पुत्र, मतलब किसका कौन बेटा, कौन किसका कौन पिता, ये झूठा संसार है, हैं? ये झूठा संसार है। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, मेरे जो गुरुदेव है ना, ये संपूर्ण ये वृक्ष लता पताव में भी विद्यमान, क्यों? ये लता पताव से भी आवाज आ रही है हा पुत्र, कारण क्या? बोले जो भगवान का प्रिय होता है ना, सारा दुनिया उसको प्रिय हो जाता है। जहाँ पर कृपा हरि की वही ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए जब मेरे गुरुजी सभी के हृदय में विद्यमान हैं, मेरे गुरुदेव मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए, जैसे इनके उत्तर में दे सकूं। इसलिए उन्होंने गुरुजी को प्रणाम करते हुए उन्होंने पहला प्रश्न का उत्तर दिया। पहला प्रश्न क्या था? जोर जोर से बोला, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी?
अभी हमारे बीच में श्री अनिरुद्ध प्रभु जी अभी इसी विषय पर आपको बताएंगे ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। खड़े हो जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय। माइकी वाले कहाँ हैं, अंदर में आ जाओ। बोले जय जय श्री राधे। आवाज है ठीक से? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। सभी को हाथ उठा कर बोले हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म पूज्यपाद श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है, ये जो पहला प्रश्न जो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा है कि आत्मा का धर्म क्या है, हाँ, उस आत्मा को शांति कैसे मिले, आत्मा का धर्म क्या है, इसका उत्तर देने के लिए मुझे गुरुजी ने यहाँ पर खड़ा किया है। अभी हमने इससे ठीक पहले सुना कि उत्तर देने से पहले सूत जी ने क्या किया, सर्वप्रथम अपने गुरुजी को प्रणाम किया। प्रणाम किया ना। सूत गोस्वामी जी के गुरु जी कौन है? सुखदेव गोस्वामी। ये सुखदेव गोस्वामी क्योंकि ये भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता जो मूल वक्ता कौन है, ये सुखदेव गोस्वामी हैं। और सुखदेव गोस्वामी वक्ता हैं और परीक्षित महाराज इसके श्रोता हैं। इसलिए ये श्रोता वक्ता की क्या श्रेष्ठता है ये हमें बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। हाँ, जब हम कोई भी वस्तु को जब ग्रहण करते तो हम देखते हैं कि इसको बोल कौन रहा है, इसको सुन कौन रहा है, तब तो पता लगेगा कि इस वस्तु का महत्व क्या है, इस वस्तु को कौन बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी। ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण नहीं, जैसे गुरु जी ने बताया ये राधा रानी के तोते हैं। आपने देखो वो जो पीछे फोटो है ना, उसमें देखो दो तोते हैं। बताया जो राधा कृष्ण की जो निकुंज लीला उसमें दो तोते दक्ष और विचक्षण, यही आगे होकर यही सुखदेव गोस्वामी होकर के आए हैं। और ये जो इनकी निकुंज में जो लीला आप भागवत श्रवण करेंगे वैष्णवों के मुख से तो आप जानेंगे कि ये दक्ष और विचक्षण ये दो तोते होते हैं, इनकी क्या दो काम होते हैं निकुंज में, ये क्या काम करते हैं, इनका एक काम ये होता है कि जब राधा कृष्ण की जब निशांत लीला उसमें मीठा मीठा स्वर करके क्या करते हैं, राधा कृष्ण को जगाते हैं। जब सूर्योदय होने वाला होता है तब ये जगाते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, ये राधा कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं सखियों को सुनाते हैं। ये दो काम करते हैं। यही जो दक्ष विचक्षण जो तोते हैं जब सुखदेव गोस्वामी बन करके आए हैं अभी जगत में, जब ये भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, यहाँ पर भी दो ही काम कर रहे हैं। क्या दो काम कर रहे हैं? पहला काम, ये जो सारा जगत जो माया रूपी जाल में जो सोया पड़ा है उसको अपनी वाणी से जगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं और मधुर मधुर लीलाएं सुना रहे हैं। किसकी सुना रहे हैं? भगवान की मधुर मधुर लीला सुना रहे हैं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी को यहाँ सूत जी प्रणाम कर रहे हैं। यही सुख जो बताया ना, ये सभी के अंदर है। यम प्रपर्यंत सुना ना, वृक्ष के अंदर भी गुरुदेव विराजमान है। तो ऐसे गुरुदेव गुरु परंपरा से, जैसे बताया ना कृष्ण हई ते चतुर्मुख, हाँ, नारद जी व्यास सुखदेव होते 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 गुरु परंपरा से वो ही ज्ञान भागवतीय परंपरा से होते होते आज हमारे गुरुदेव उसी ज्ञान को आप लोग सबको सुना रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये जो मूल जो भागवत है उसको हम एज इट इज यथारूप श्रवण कर रहे हैं। जो भगवान भागवत हमें समझाना चाहती वो हम श्रवण कर रहे हैं। तो प्रश्न था, क्या प्रश्न था? आत्मा को शांति कैसे मिले, आत्मा का धर्म क्या है? तो उत्तर में बताया, सभी पुंस परो धर्म यतोर भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यात्म संप्रसीद। बोला सभी पुंस परो धर्म, जीव मात्र का एक ही धर्म है,
यतोर भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, उनकी भक्ति करना। अब प्रश्न ही उठता है, ये धर्म क्या है? धर्म क्या है? हम तो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें तो धर्म इतना ही पता है कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये चार धर्म होते हैं, है ना? क्या यही धर्म होता है? ये तो इस देह का धर्म कह सकते हैं, या समाज की व्यवस्था बनाने के लिए धर्म कह सकते हैं। वास्तव ये धर्म नहीं। धर्म क्या है? क्योंकि हम ये शरीर नहीं, हमारा जन्म भारत में हुआ है। भारत में जन्म होने का एक बहुत अच्छा फायदा क्या होता है? हमको बचपन से पता होता है क्या कि हम शरीर नहीं, हम क्या है? क्या है हम? शरीर नहीं, हम क्या है? ये तो सबको पता होता है। इतना तो भारत में पैदा होने का ये सौभाग्य है कि इतनी बात हमें बचपन से पता होती है कि हम शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा। धर्म वो वस्तु होती है जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन ना हो, उसको धर्म कहते हैं। और हर एक वस्तु का धर्म होता है कुछ ना कुछ, उसके गठन के समय से ही उसके अंदर एक धर्म विराजमान होता है। जैसे आपने देखा होगा जल, जल सबने देखा है ना, जल का एक धर्म है, क्या है? तरलता। हाँ, जल का धर्म तरलता, हमेशा बहना। अग्नि का क्या धर्म है? उसकी दाहक शक्ति, हाँ, उसका ताप, दाहक, ये उसका धर्म है। तो ये आत्मा है, तो ये आत्मा का भी कुछ धर्म होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो जगत में सारी वस्तु का कुछ धर्म है, तो इस आत्मा के भी कुछ धर्म होना चाहिए। तो इस आत्मा का धर्म क्या है? तो यहाँ पर ये जो उत्तर है, सभी पुंस परो धर्म, इसमें बताया इस आत्मा का धर्म क्या है। यतोर भक्तिर अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज की भक्ति करना ही आत्मा का धर्म है। और वो कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की माने केवल भगवान के सुख को छोड़कर के कोई हितु हेतु नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता माने लगातार होनी चाहिए, तब जाकर के तो बात बनेगी। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि भगवान की भक्ति तो हम सुनते हैं, लेकिन भगवान कौन है? ये प्रश्न नहीं उठ जाता? किसी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर हनुमान जी हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर शिव जी का विग्रह है, किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ देवी है, इतने सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, किसकी पूजा करें, किसकी भक्ति करें? इसका तो सामंजस्य ही नहीं हो पा रहा। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर सर्वोत्कृष्ट उपास्य, सर्वोत्कृष्ट साधन और सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन का इसमें वर्णन है, और किसी शास्त्र में स्पष्ट रूप में नहीं है। इसीलिए बताया, अगर जगत में अगर जीव अपना कल्याण चाहता हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेना ही होगा। सर्वोत्कृष्ट उपास्य बताया, भागवत के अनुसार क्या बताया? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण की यहाँ पर जो उपासना ही सर्वोत्कृष्ट जो है, यहाँ पर उपास्य कौन हो गए? राधा कृष्ण। सर्वोत्कृष्ट साधन उनकी भक्ति, और सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन क्या? राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना, ये सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन जीव मात्र का। जब तक ये तीनों चीज हम नहीं समझ करके भजन नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में सुख शांति आने वाला ही नहीं है, क्योंकि यही वास्तव में आत्मा का धर्म है। अब बताया, देवी देवता इनका हमें क्या? कृष्ण भगवान है, तो फिर देवी देवता कौन है? तो जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है बताइए? नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, हाँ, चिल्ड्रन एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री, हाँ, कोल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, बहुत सारी मिनिस्ट्री है, उसके अलग अलग मंत्री हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान तो श्री कृष्ण है, लेकिन जो जितने भी देवी देवता, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री माने पैसे का, वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय के देवता कौन है? कुबेर। कौन है देवता? कुबेर। ये जल, हाँ, वाटर मिनिस्ट्री, जल के वरुण देव, एयर, हाँ, हवा, पवन देव। इसी प्रकार जितने भी ये, जितने भी दुनिया, ये जो जितने देवी देवता हैं, ये सब एक एक कार्य को भगवान उनको प्रदान करिए सेवा, ये सब भगवान की सेवा कर रहे हैं देवी देवता, और एक एक कार्य को भगवान की इच्छा से जगत में चला रहे हैं। इसलिए सारे देवता कौन है? भगवान के सेवक हैं। इसलिए आप देखो, जो सेवक होता है ना, उसके हाथ में वो जो काम करता है, वो अस्त्र उसके हाथ में होता है। देखो, सभी देवी देवता के हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र या जो वो काम करते हैं वो देखने को मिलेगा। देवी सरस्वती के हाथ में क्या है? वीणा बजाती है, बजाती है कि नहीं? ब्रह्मा जी के हाथ में क्या है? वेद, हाँ,
शिव जी के हाथ में क्या है? त्रिशूल। सभी देवताओं के कुछ हाथ में कुछ ना कुछ है ना अस्त्र, लेकिन भगवान के हाथ में क्या है? बांसुरी। वो सिर्फ बांसुरी बजाते हैं, बाकी सब काम कौन संभालते हैं? देवी देवता, वो भी भगवान की इच्छा से। और भी एक चीज आप देखना, सभी देवी देवताओं के हाथ में क्या होती है? एक माला होती है। शिव जी के हाथ में किसकी माला? रुद्राक्ष की। सरस्वती देवी की चार हाथ में, एक हाथ में माला, गणेश जी के एक हाथ में माला, एक हाथ में माला। ये माला किसकी है? ये वही हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये सभी देवी देवता भगवान का भजन करते हैं और उसी के बल पर ही ये सृष्टि के कार्यों को कर पाते हैं। इसलिए भागवत के अंदर बताया, ये सभी देवी देवता भगवान के दास दासी। क्या बताया श्लोक में? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनवंति दिव्य स्तवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कौन बताया? यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुता, ये सब क्या करते हैं? दिव्य, हाँ, जो वेदों के दिव्य, वेदों की ऋचाओं द्वारा उनकी भगवान की स्तुति करते हैं। बड़े बड़े ऋषि ध्यानी जिनको ध्यान लगा करके बैठे रहते हैं, वो कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान कौन है? केवल कृष्ण ही भगवान है। बोला एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोगे मृयंति युगे युगे। वही भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन युग युग में अलग अलग अवतार लेकर कभी राम कभी नरसिंह कभी वरा कभी मत्स्य कभी कूर्म कभी परशुराम आदि अवतारों द्वारा आकर के जगत में जीवों का कल्याण करते हैं। तो जब हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, हाँ भक्ति करेंगे, तब जाकर के हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। और वो कौन सी क्रिया करनी होगी? बताया श्रवण। भक्ति किसे कहते हैं? साधन भक्ति। साधन भक्ति क्या है? बोला सुरर्ष विहिता शास्त्रे हरि उद्देश्य या क्रिया। बताया कि जो शास्त्र के अंदर हरि उद्देश्य से जो भी क्रिया बताया है, वो क्रिया क्या है? वही साधन भक्ति है। तया भक्ति पराभवे, और वही साधन भक्ति क्रम से आगे चल के प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए साधन भक्ति हमें करना होगा। साधन क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैव नव लक्षणा। ये नौ प्रकार की जो भक्ति है, देखो कितना आसान है। केवल श्रवण मात्र करने से, क्या जगत में कोई भी काम हमें सुनने मात्र से हो जाता है? जैसे आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो क्या आप केवल सुनोगे इंजीनियरिंग के बारे में, आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी? नहीं होगी। कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, तब जा करके कभी कुछ बनोगे। लेकिन भक्ति देखो कितनी आसान, केवल किस कैसे? श्रवणम। क्या श्रवण से किसी का हुआ? बोले हाँ। किसका हुआ? बोले परीक्षित महाराज का। हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? केवल सुनने मात्र से श्रवणम विष्णु परीक्षित भवत आया उसके अंदर, श्लोक के अंदर, कि श्रवण करने से परीक्षित जी का। और क्या बताया? व्यासी की कीर्तन है, कीर्तन करने से किसका हुआ? सुखदेव गोस्वामी का। कितना साधारण उपाय भागवत के अंदर बताया है। इसलिए अगर भागवत का आश्रय लेकर के अगर हम ये भक्ति करेंगे ना, तो साधारण रूप में अगर हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। अब एक बहुत सुंदर, हम एक मैं छोटी सी कथा सुना देता हूँ, टाइम बहुत कम है, एक छोटी सी कथा। एक समय इस कथा से हमें पता लग जाएगा कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है और हमारी क्या स्थिति है। बड़ी सुंदर ये कथा है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा के अंदर कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय एक राजा रानी थे, उनका एक छोटा पुत्र था, छोटा सा बेटा था। किसी कारण से या कहीं छूट गया, या कोई गुंडे चोर उसको उठा करके ले गए। क्या ले गए? उसको उठा करके ले गए। और वो बच्चा छोटा था, उसको याद नहीं, बिल्कुल छोटा बच्चा। अब जब वो बड़ा हुआ, किन के बीच में बड़ा हुआ? वही चोर बदमाशों के बीच में वो बड़ा हुआ। उन्हीं को ही अपना माता पिता समझता था, उन्हीं को ही अपना सब कुछ समझता था। बड़ा होते होते वो उन्हीं के बीच में अपने आप को समझता था कि मैं भी ये चोर बदमाशों जैसा ही हूँ, हैं,
गरीब हैं हम लोग, जैसे तैसे हमारी जीविका चलती है, बड़े दुखी, और वो पुत्र बेचारा बड़ा दुखी, गरीबों के बीच में ऐसे रहता था। और राजा रानी भी बड़े दुखी कि हमारा एकमात्र पुत्र था वो भी हमसे दूर चला गया, बड़े कष्ट में थे। तो एक समय पे वहाँ पर कोई ऋषि मुनि कोई साधु आते हैं, तो हम हमारा ये सब हमारे भारतीय संस्कृति है कि हमारा कोई भी कष्ट कुछ होता है हम किसको बताते हैं, साधु को बताते हैं। राजा रानी ने बताया देखो हमारा एकमात्र पुत्र था वो पता नहीं कहाँ चला गया, और अभी अभी राज्यपाठ सब हमको बेकार लगता है, हमारे को सब जीवन हमको व्यर्थ लगता है। साधु जो थे वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो उन्होंने पता लगाया कि ये जो इनका पुत्र है ना ये कहाँ पर है, ये किसी चोर बदमाशों के मोहल्ले में कोई चोर इसको पाल रहे हैं, और वो अनजाने में उन्हीं को ही अपना माता पिता समझता है। तो अब ऋषि समझ तो गए, अब वो बोले कि अब इसको ले करके आने के लिए, क्योंकि एकदम से जा करके बोलेंगे तो बच्चा मानेगा नहीं, मान जाएगा नहीं मानेगा। इसलिए जो ऋषि थे वो बड़े बड़े विद्वान थे, वो उसके पास बालक के पास में गए, धीरे से उसको बिठाया, उससे मित्रता करी, उससे मित्रता करके के बोला बोले बेटा एक बात बताओ, तुम यहाँ पर रहते हो तुमने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दिया? बोले क्या साधु जी बताओ क्या आप कहना चाहते हैं? बोला देखो ये जो इस जिस राज्य में तुम रहते हो तुमने इस राज्य के राजा रानी को कभी देखा है? बोले हाँ वो तो निकलते हैं रथ पे से, मैंने देखा है उनको। बोले तुम्हारे जो जो चेहरा है वो तुम्हारे इन माता पिता से नहीं मिलता, जिन माता पिता को तुम अपना माता पिता बोल रहे हो तुम्हारा चेहरा इनसे नहीं मिलता, तुम्हारा चेहरा तुम राजा रानी से मिलता है, कभी तुमने इस बात पे ध्यान दिया? क्योंकि पुत्र का चेहरा किससे मिलना चाहिए, माता पिता से मिलता जुलता होना चाहिए, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो पुत्र बोलता है बात तो ठीक कह रहे हैं, फिर बोलता है कि अगर भाई राजा रानी से मेरा चेहरा मिलता है तो इसका क्या अर्थ है? तो साधु बताते हैं कि तुम इन ये जो चोर बदमाशों के बच्चे नहीं हो, इस चोरों के मोहल्ले के तुम बेटे नहीं हो, तुम कौन हो? तुम हो राजा रानी के बेटे। किसके बेटे हो? राजा रानी के बेटे। वो तो बच्चा जो था वो तो बड़ा आश्चर्य में आ गया, और वो ऋषि जो थे उसको समझा बुझा करके लेकर के राजा रानी के पास आ जाते हैं, और आकर के उनका पुत्र उनको दे देते हैं, और राजा रानी जो है बड़े भाव में और बड़ा प्रेम के साथ में अपने बच्चे को वापस ले लेते हैं, पिता पुत्र दोनों मिल जाते हैं, और सब आनंद में उनका जीवन चलने लगता है, पिता भी खुश माता भी खुश और पुत्र भी खुश, हो गए ना तीनों आनंद में। अब ये किसकी कथा है? ये हम लोगों की कथा है। हम लोग कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हाँ ममेवांश जीव जीव भूत सनातन। भगवान गीता में कहते हैं ये सारे जीव जितने भी दिख रहे हैं ये सब मेरे ही अंश हैं। किसके अंश हैं? ये मेरे ही अंश हैं। लेकिन हम लोग इस संसार में आ गए क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान को भूलने से, भगवान को भूलने से, भगवान की सेवा को छोड़ करके विमुख हो करके, कृष्ण बहिर्मुख हो जीव भोगवांचा करे, निकटस्थ माये तारा तारे झपटिया धरे। भगवान के विमुख होने के कारण माया ने ला करके हमें यहाँ फंसा दिया। अब यहाँ पर क्या, हम झूठे मूठे माता पिता को अपना माता पिता मानते हैं जो है नहीं। अगर माता पिता नित्य होंगे तो हमेशा रहेंगे, लेकिन रहते तो नहीं। हमें से कितने होंगे जिनके माता पिता दादा दादी जा चुके होंगे, अब तो नहीं है। इसका मतलब नित्य तो नहीं है, इसका मतलब हमारे असली माता पिता कोई और है जो हमेशा रहने वाले हैं। तो वही ये बात बताने कौन आएंगे बीच बीच में? जैसे वो साधु आए थे, कौन आए थे? वो साधु आए थे, राजा रानी के पास भी आए थे और पुत्र के पास भी गए थे। तो वही ऐसे ही साधु ये भगवत इच्छा से संसार में आकर के जो जीव सोए पड़े हैं, झूठे रिश्तों को अपना मानते हैं, झूठे क्रियाकलापों को सत्य मानते हैं, उनको बताएंगे सत्य वस्तु कि भगवान ही सत्य है, तुम भगवान के पुत्र हो, और भगवान की प्रेम में सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जब तक भगवान के बैक टू गॉड हेड, जब तक वापस भगवान के घर नहीं जाओगे, जब तक पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलेगी, यहाँ पे सत्कर्म दान आदि करके अगर स्वर्ग आदि लोकों में चले भी गए तो क्षीण पुण्य मृत्यु लोक विशंति ते त्वम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोक विशंति, वहां से वापस आना पड़ेगा। लेकिन भगवान की भक्ति करने से भगवान के धाम में जाएंगे, वो धाम कैसा है? यद गत्वा ना निवर्तन्ते तत् न भासयते न सूर्यो न शशांक पावक, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम। भगवान गीता में कह रहे उस धाम में जाकर के वापस नहीं आना होगा। इसलिए ये आत्मा को शांति कब मिलेगी? जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम करेंगे, सत्य सनातन परमात्मा सत्य सनातन आत्मा
के बीच का जो संबंध, जो प्रेममयी सेवा भगवान की, यही आत्मा का धर्म है। और जब हम इस धर्म का पालन करेंगे तब जाकर के ही इस आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर इस प्रकार से भागवत में और गुरुवर्गों द्वारा बताया गया, मैंने उसका आपके सामने वर्णन किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए श्री सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? जब ये आत्मा, जब परमात्मा भगवान को भक्ति करेगा तब भी जीव को पूर्ण तब भी शांति मिलेगी। इसलिए अनंत लाल जी, ध्रुव महाराज, मीरा, तुलसीदास, इनका नाम सुने कि नहीं, जिन लोगों ने भगवान की आराधना करके जीवन को शांतिमय बनाया। इसलिए कभी ये 6 प्रश्न का उत्तर जिस समय श्री व्यास देव जी ने, उन्होंने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की, लेकिन रचना करके भी उनको शांति नहीं मिला। जब शांति नहीं मिले, बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे। भले मैंने जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ बना दिया, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, मैंने सारे ग्रंथ तो बनाया, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिल रहा है। एक दिन बड़े उदास होकर के बैठे हुए थे, मेरे को शांति कहीं नहीं, क्यों नहीं मिल रहे हैं। इतने में श्री भगवत इच्छा से श्री नारद जी भगवान की कीर्तन करते करते श्री नारद जी आए। बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 फूल बरसाए की जय, जय जय फूल बरसाए भाई की जय, जय जय फूल कुंज बिहारी जय 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 बोल कुंडली जय जय राधा रानी जय महारानी जय राधा रानी जय महारानी जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल hari 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 go hari go hari go hari go hari go hari 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 go hari hari नारद जी भजन कीर्तन करते करते आए। अभी नारद जी को देख करके श्री व्यास देव प्रसन्न हो गए। बोले क्यों? बोले गुरु जी आ गए। बोले गुरु जी का मतलब क्या है? बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधक। गुरु जी का काम होता है हमारे हृदय की सारे अज्ञान को हटा करके जो दिव्य ज्ञान दिलाते गुरु जी। बोले जब गुरु जी आ गए फिर तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी गुरु जी सारे समाधान कर देंगे। इतने में श्री व्यास देव जी ने पूछा अपना गुरु जी नारद जी को, बोले गुरु जी मैंने तो जीव कल्याण करने के लिए ये सारे वेद, पुराण, इतिहास, ये सारे ग्रंथों को मैंने रचना की है, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिल रहा। इसलिए आप तो गुरु जी आप ही बताओ
मेरे को शांति कैसे मिलेगा। तब श्री नारद जी कहते हैं, बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि बर्ज्यानो कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जन वर्णित। बोले बेटा इसलिए शांति नहीं मिल रही है, तुमने दूसरे दूसरे धर्मों को बाहर में जितने बढ़ा चढ़ा कर तुमने बता दिया, जीव का जो असली धर्म है ना इसी विषय में तुमने बताया नहीं, इसलिए तेरे को शांति नहीं मिल रहा है। जीव का असली धर्म क्या है? हम कौन हैं? हम भगवान के सेवक हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश है। इसलिए जब तक ये जीव ईश्वर जी के शरण में नहीं जाएगा तब तक ये जीव को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बेटा भले ही जिस ग्रंथ में बड़े बड़े अलंकार युक्त हो लेकिन अगर ठाकुर जी की कथा नहीं होना, उसका संत लोग आदर नहीं देते हैं, लेकिन टूटी-फूटी कथा हो लेकिन उसमें ठाकुर जी की कथा हो, भगवान की कथा हो, संत लोग उसको बड़े प्यार करते हैं। इसलिए तुमने बताया दूसरे दूसरे धर्मों के बारे में तुमने बताया, लेकिन ये वास्तव रूप में जीव का परम धर्म नहीं। अगर तुम जीवन में शांति पाना चाहते हो क्या करो, भगवान की जस को, भगवान की महिमा को तुम गान करो, ठाकुर जी की गुण कीर्तन तुम करो, तब तुमको परम शांति तभी तुमको मिलेगी। इसलिए अभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को तुम वर्णना करो, इसी से ही तुमको परम शांति मिलेगी। तब श्री नारद जी अपना चरित्र को उन्होंने बताया, देखो मैं इतने बड़ा संत कैसे बन गया। ये नारद जहाँ जाते हैं ना स्वर्ग में जाए तो देवता लोग बोले गुरु जी आ गए, अगर ये वैकुंठ लोग में जाए ना तभी भगवान उनको आदर करते हैं, अगर ये राक्षसों के पास में चले जाए, दैत्यों के पास में, कंसों के पास में जाए बोले गुरु जी आ गए, सर्वत्र मेरे को सब गुरु जी कहते हैं, सारा दुनिया में मेरी पूजा, और जहाँ जा चाहता हूँ सर्वत्र मैं भ्रमण करता हूँ, निर्भय होकर के आनंद में नाचते गाते हुए, कहीं नारद जी को देखोगे ना एक खिलखिला कर हंसते हुए, ठाकुर को गुणगान करते हुए मस्त में आनंद में रहता हूँ। क्यों इतने मेरी महिमा क्यों, कारण क्या, मैं इतने बड़े संत बना तो कैसे मैंने संत बन गया। फिर उन्होंने अपना चरित्र को उन्होंने सुनाया, मैंने ऐसे संतों की कृपा से ही मैंने संत बना है। इसलिए आज हमारे प्रभु जी, ये छोटे प्रभु जी आपको सुनाएंगे श्री नारद जी के चरित्र में उन्होंने हम लोगों के लिए क्या सिखा दिया है, और इनका चरित्र से हमें बोले श्री नारद बाबा की, जोर से बोलो बोले श्री नारद जी की जय जय श्री राधे। श्री गुरुविभ्यो नमः। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पादौ यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुरीयौ कथितो यदूरु नाभिस्तथा पञ्चमये भुञ्जावतं तौ युगलत् तथान्यौ कंठस्तुराजन नवमो यदीयौ मुखारविंदं दशम प्रफुल्लं एकादशं यस्य ललाट पट्टकं शिरोऽपि यद्वादश एव भाति शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। हरे कृष्णा। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु श्री भगवान की महती कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्टोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी के रूप में आज हम सबको श्री महाराज जी के चरण शरण में बैठकर के सुनने का सत्सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने सद्गुरुदेव जो कि व्यास आसन पर शोभा की भी शोभा बढ़ा रहे हैं ऐसे श्री महाराज जी के चरणों में बार बार दंडवत करता हूँ। श्रीपाद परम गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित यहाँ पे समस्त वैष्णव जिनके हृदय में श्री भगवान केली करते हुए किलकारी भरते हुए शोभा पा रहे हैं ऐसे सभी वैष्णवों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ।
महाराज जी ने आपको उसकी भूमिका तो बता ही दी चरित्र की, मैं आपको आगे की कथा जो है वो श्री गुरुदेव की कृपा से सुनाता हूँ। देखिए हम लोग कई अभी होगा इस जगत में कि जैसे नारद जी का चरित्र जो है वो कई लोगों के लिए मन में विकृत सा है कि नारद का मतलब क्या है, जो एक बात इधर से उधर लगा दे, लोग ऐसा सोचते हैं और अपराध कर बैठते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। श्री नारद जी परम संत हैं। देखिए नारद भगवान किसकी वाणी का आदर करते हैं, भगवान संतों की वाणी का आदर करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी वाणी को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता जितनी संतों की वाणी को इंपॉर्टेंस देता हूँ। इसीलिए श्री नारद जी के लिए कहा है, जयति जगति माया यस्य कृपा धवस्ते रचन वचन मेकम केवलम चाकलैह ध्रुव पदम पियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम् वचन रचन कुशलम् ब्रह्मपुत्रम् नतास्मि। ऐसे परम श्री नारद जी जिन्होंने ध्रुव जी को ध्रुव पद दिलाया, श्री प्रहलाद जी को भागवत चरित्र का उपदेश किया, ऐसे श्री नारद जी को बार बार प्रणाम है, उनकी जय हो। देखिए संत की वाणी का भगवान कैसे आदर करते हैं, आपको मैं सच्ची घटना बताता हूँ। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ उस घटना को, वो सत्य घटना है। जयपुर के अंदर संतोखबा दुर्लभ जी मेडिकल हॉस्पिटल है, आप लोग सब जानते हैं, उसके अंदर गैस्ट्रोलॉजी है, एक डॉक्टर हैं, आज भी वे उधर ही हैं, डॉक्टर हर्ष उदावत, वो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। एक बार क्या हुआ, दो दंपति, दोनों के दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जयपुर ब्रांच में दोनों नौकरी करते थे, दोनों के दोनों बैंक में जॉब करते थे, घर में उनके पिताजी थे और एक छोटा सा बच्चा था। तो क्या हुआ, एक दिन उनके घर पे पुताई का काम चल रहा था, पेंट चल रहा था, तो जो वो पुताई करने वाले लोग थे सोचा ये दो, इसमें एक आदमी है वो बुजुर्ग है और एक बच्चा है, तो दोनों को मार दिया उसने, सच्ची घटना है, दोनों को मार करके और घर में जितना धन था वो सब लेकर के वो फरार हो गए। अब क्या हुआ, बहुत परेशान वो दोनों दंपति, अब उनके कोई संतान नहीं, बच्चे के बिना परेशान, पिताजी थे वे भी चल बसे, अब दोनों अकेले बहुत उदास, कैसे कैसे जीवन काट रहे थे वे तो वही जानते हैं। तो डॉक्टर हर्ष उदावत जो हैं वो उनको हमारे बड़े महाराज जी के पास ले गए। जब बड़े महाराज जी के पास लेके गए श्री वृंदावन में, तो जो पीठ थी उधर बड़े महाराज जी विराजमान थे, तो जब महाराज जी के पास लेकर के गए, तो महाराज जी के पास गए तब बताया उन दोनों ने, दोनों दंपतियों ने, महाराज हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई, हम बहुत परेशान हैं, महाराज जी ये तो सुसाइड कर रहे थे, ये जो श्रीमान है ये तो सुसाइड कर रहे थे। तो महाराज जी बोले गुस्से में, सुसाइड करने से काम बन जाएगा, भजन कर। तो उन्होंने कहा, महाराज भजन क्या करे, हमें बालक चाहिए, बच्चा चाहिए, हमें अपनी संतति चाहिए। तो महाराज जी बोले, थोड़ी देर विचार करके महाराज जी के मन में पता नहीं क्या हुआ, महाराज जी के मन में आया, महाराज जी ने कहा ठीक है बच्चा, हो जाएगी संतान। एक वर्ष के बाद, तो जब ऐसा कहा महाराज जी ने कि संतान हो जाएगी, तो एकदम से उस नारी, वो जो पत्नी थी उसकी, उसके मन में आया संतान कैसे होगी। तो उसकी पत्नी ने कहा, महाराज मेरा गर्भाशय निकाल दिया गया है ऑपरेशन से, जो यूट्रस है मेरी वो ऑपरेशन से डॉक्टर ने निकाल दी है, बच्चा कैसे होगा। तो महाराज जी थोड़ी देर सोच से, महाराज जी को पता नहीं क्या आवेश आया, जोर से महाराज जी बोले, हट, बकबक करती है, डॉक्टर बड़े हो गए संतों से, जा एक वर्ष के अंदर संतान हो जाएगी। महाराज उसके एक वर्ष के अंदर बिना गर्भाशय के उसके उसी उदर से संतान हो गई, एक वर्ष के अंदर। वो डॉक्टर हर्ष उदावत अचंभे में पड़ गई कि हो कैसे गया, बिना गर्भाशय के बच्चा कैसे हो गया।
तो फिर उसके बाद उस संत महाराज जी के प्रति उन दोनों की श्रद्धा हुई। और सैटरडे संडे जब छुट्टी होती बैंक की, तो दोनों के दोनों श्री वृंदावन में सेवा करने के लिए जाते, आश्रम की झाड़ू निकालते, सब सफाई वगैरह करते। तो धीरे 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 करने लगे। महाराज जी बोले, महाराज जी अपने चेले को बोले, देख देख दुनिया वाले कैसे कैसे मतलबी, कैसे मतलबी, जब इनका मतलब निकल गया तो अब सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसकी बेटी थी जो, वो छोटी सी बच्ची थी, उसको उसकी मम्मी ने सिखाया, देख महाराज जी से जा करके बोल दियो, महाराज जी मुझको भैया चाहिए, मुझको भैया चाहिए। तो बेटी छोटी सी गई जाकर, महाराज जी मुझे भैया चाहिए, राखी बांधने के लिए मुझे भैया चाहिए। महाराज जी बोले, इधर इधर इधर, तोते काऊ ने कही, किसने कही तुझे, बता जल्दी बता ये बात किसने कही कहने के लिए। तो बोली मेरी मम्मी ने कही है, बोले मेरी मम्मी ने कही है। महाराज जी बोले, हट तेरी की, अरे महा 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 आलसी, महा कंजूस, महा कंजूस, देखो महा मतलबी, महा मतलबी, सारा का सारा वैराग्य गया पानी में, सारा का सारा वैराग्य गया पानी में, बताओ। तो फिर उसकी मम्मी आई, मम्मी ने कहा, महाराज जी बच्ची ने कहा है पूरी कर दीजिए, महाराज जी पूरी कर दीजिए। तो महाराज जी बोली, महाराज जी ने थोड़ी देर सोचा, महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, जा अगले वर्ष में भैया के साथ आवेगी, अगले वर्ष में भैया के साथ आवेगी। तो महाराज जी बिना यूट्रस के, बिना गर्भाशय के एक बच्चा और एक बच्ची का जन्म हुआ, ये केवल संत की वाणी से, केवल संत की वाणी से। भगवान संत का रखते हैं इसमें, आप आज भी ऐसे संतों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी मैं श्री अवध में कथा कहने गया था अयोध्या जी में, ऐसे संतों का दर्शन भी मुझे वहां पर हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा तो इस कारण से संतों की वाणी का आदर श्री भगवान करते हैं। नारद जी क्या है, नारद जी संत ही तो हैं। एक बार क्या हुआ, जब व्यास जी परेशान हो गए तो नारद जी ने समाधान किया। नारद जी ने कहा, मैं अपना चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, जो कि संतों दासी का पुत्र था, ब्राह्मणों की एक दासी थी, उसका मैं पुत्र था। तो मैं क्या करता था, जंगल में कुछ संत वहां पर आ गए, और जब संत आए तो नित्य प्रति चातुर्मास करने के लिए संत पधारे, तो चातुर्मास करने के लिए संत पधारे तो मैं नित्य उनकी सेवा करता। यद्यपि मैं चंचल नहीं था, मेरी छोटी अवस्था थी और मैं ज्यादा बोलता भी नहीं था, लेकिन संत जो है वो संतों की सेवा करते करते वे प्रसाद पाते, शीत प्रसाद पाते, तो उनका उनका उच्चिष्ट जो है झूठा मुझे पाने का सौभाग्य प्राप्त होता। गुरुजनों का, संतजनों का जो उच्चिष्ट ग्रहण करता है ना, जो झूठा प्रसाद, जो गुरुदेव का या संतों का, अपार संतों का जो उच्चिष्ट ग्रहण करता है, भगवान कहते हैं मैं उसके ऊपर आए हुए बहुत ज्यादा परेशानियों के बादलों को हर लेता हूँ। ये उच्चिष्ट की महिमा है, संतों का उच्चिष्ट। तो क्या हुआ, उच्चिष्ट पाते थे नारद जी उनका, तो वो तो फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने जब उच्चिष्ट पाए तो जब चातुर्मास से बीत गया तो संत उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस बालक की सेवा से जब संत प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको मंत्र दिया, नमः। मंत्र क्या दिया, नमः वासुदेवाय तुभ्यं प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र दिया कि ले तू ये मंत्र का जप करना, श्री भगवान अवश्य दर्शन देंगे, श्री भगवान की दिव्य कृपा तुझे अवश्य प्राप्त होगी। नारद जी मनी मन सोचते थे कि मेरी बूढ़ी माँ है, उनकी सेवा के लिए मैं रुकूंगा, पर वे मनी मन सोचते थे कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा, कब मैं इन झंझटों से छूटूंगा, कब मेरी माँ जाएगी, कब मुझे खुल करके भगवान के गीतों को, भगवान की कथा को, भगवान के नाम को गाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक दिन उसकी माँ रात को दूध निकालने जा रही थी गाय का, एकदम से सांप ने काट लिया उसकी माँ को और उसकी माँ की गति हो गई, उसकी माँ ने देह त्याग कर दिया। अब तो नारद जी इतने प्रसन्न हुए, आहा भगवान का दिव्य यश गाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, भगवान का दिव्य यश गाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। नारद जी भगवान का यश गाते, भगवान की नामावली गाते। देखिए जब संत मिलते हैं तब यह कृपा का अनुभव हो जाता है कि एक ना एक दिन श्री ठाकुर जी अवश्य मिलेंगे। जब संत मिलन हो जाए ते
मेरी वाणी हरि गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। इस कारण से संत जब प्रस्तुत हो जाते हैं तो भगवान के मिलने की संभावनाएं खुल जाती हैं। भगवान का दिव्य कीर्तन करते करते, भगवान के नाम में रत होते होते नारद जी ने अपना समय व्यतीत किया। एक दिन भगवान उनकी आराधना से प्रसन्न हो गए और शशंक चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहिक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शरशाम चतुर्भुजम। श्री भगवान एक दिन नारद जी के सामने प्रकट हुए, पर नारद जी को दिख नहीं रहे। नारद जी ने कहा अब दिख तो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के ओज से प्रकट होगे, स्वयं देवऋषि नारद का अवतार लोगे, तब जाकर के तुम मेरा अपार गुण गाना। तो भगवान ने कृपा करके उनको भक्ति प्रदान करी और हाथ में, और व्यास जी को कहा, नारद जी ने कहा देखो व्यास जी, जो मेरे हाथ में ये वीणा है ना, ये कोई बाजार की खरीदी नहीं हुई, देव दत्ताम मिमाम वीणाम ये साक्षात श्री हरि ने दी है मुझे। स्वर ब्रह्म विभूषिताम देव दत्ताम मिमाम वीणाम मिति, भगवान श्री हरि ने मुझे ये वीणा पुरस्कार के रूप में प्रदान की है। अब जब भी मैं इस वीणा की तंत्री वाद्य को खींच करके श्री भगवान का गुणगण गाता हूँ तो वे ऐसे छटपटाते हुए श्री भगवान सत्यम मेरे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, मुझे दर्शन देते हैं। इसलिए नारद जी के सामने श्री भगवान प्रकट हो गए। संतों की कृपा से, संत में श्रद्धा करी तब जाकर के श्री भगवान से मिले। इसलिए संतों में, भगवान के नाम में, भगवान की लीला चरित्र में कोई भेद नहीं है। धन्य धन्य नारदोस्मि त्वं सर्व त्वं पाद्योस्मि हि त्वद् गुरुः ध्रुवम प्रहलादम च सर्वदत्ताम श्रेष्ठः। आपकी कृपा से ध्रुव जी को ध्रुव पद प्राप्त हुआ, आपकी कृपा से प्रहलाद जी को परम धाम की प्राप्ति हुई। आपकी जय हो नारद जी। इसलिए नारद जी, अच्छा एक और बात है, जो सुबह सुबह उठ करके एक बार कहता है ना श्री नारद श्री नारद, तो भगवान कहते मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। श्री गर्ग संहिता में इसका उच्चारण किया है, एकस्य नाम नारदः त्वत्रिण्या अहम येनः शः पातकी ही स्वयं पातकी येन विभक्ताश्च कीर्तिदाः। जो एक बार सुबह उठ करके ऐसे बोलते हैं ना श्री नारद, तो भगवान कहते मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। इतने प्यारे हैं नारद जी श्री भगवान को। ये नारद जी का परम चरित्र जो है श्रीमद् भागवत जी के अंदर इसकी विस्तृत व्याख्या है और सद्गुरुदेव की कृपा से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावन तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए सावन व्याज ऋषियों का जो दूसरा प्रश्न था, कलयुग सरल उपाय किया है, तो उसको उत्तर देते हैं। बोले काली युग के बलना माँ आधारा, कलयुग के बलना माँ आधारा, तुमेरी नारा उतराई पारा, तुमेरी नारा उतराई कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं। भगवान बोले केवल भगवान की, जो कुछ करते हो हाथ में काम और मुंह में ठाकुर जी का नाम। हाथों में बोलो, हाथों में काम और मुंह में नाम। जब अपना घर का काम करो क्या समझ करके, ठाकुर जी की सेवा समझ करके। घर में झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, ठाकुर जी का मंदिर में।
रसोई बना रहे हो, बोले किसके लिए बना रहे हो, बोले ठाकुर को भोग लगेगा, बच्चों को थपथप लगा करके सुला रहे हो, जैसे गोपियाँ वो भी तो गृहस्थ में थी ना, इधर बच्चों को थपथप लगा करके सुलाती थी हाथों में, लेकिन मुंह में क्या करती थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो कितने आसानी कली जी में ठाकुर जी बहुत सरल बना दिया, बोले ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं। सत्ययुग में लोग हजार हजार साल तपस्या करते थे बिना खाए पिए, त्रेता युग में रोज यज्ञ करो आहुति में कितना पैसा खर्च होता था, द्वापर युग में अर्चन पूजा दूध दही कितना, कलयुग में बोले कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, बस केवल थोड़ी जीवा हिलने पर ओष्ठ जब हिलता है भगवान की नाम अपनी आप निकलती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले बोले नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। महाप्रभु बोले भगवान के अनंत नाम हैं कृष्ण गोविंद दामोदर, फिर भगवान ने अपना नाम में सारे शक्ति ठाकुर ने दे दिया, इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है। फिर क्या बोले भगवान कोई पाबंदी नहीं रखे, अपवित्र पवित्र ये भी कुछ नहीं, पवित्र हो अपवित्र हो किसी अवस्था में क्यों नहीं हो भगवान के नाम को कर सकते हो। लेकिन महाप्रभु दुखी होकर एक ही बात कहते हैं, मैंने इतना सरल बना दिया कलयुग में तब भी लोग प्रभु का नाम नहीं लेते, फिर इनका उद्धार कैसे होगा, तब भी ठाकुर का नाम नहीं लेते हैं, इतना सरल बना दिया ठाकुर जी। इसलिए क्या करो भगवान की नाम को लो, थोड़ी समय ठाकुर के लिए निकालो, सवेरे नहा धो करके क्या करो थोड़ी समय ठाकुर जी के लिए निकाला करो, निकाल करके बैठ दो ठाकुर के सामने, अब बैठ कर क्या करो भगवान की थोड़ी सी प्रभु का नाम जप करो। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है देखो इसमें हरे क्या नाम है, इसमें हरे मतलब क्या है, जो हमारी समस्त दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरे। कृष्णा कृष्ण मतलब क्या है, हमारे मन बड़ा चंचल है इधर उधर मन भटकता है, इसलिए क्री बोलने पर ही जो भटकता हुआ मन इधर उधर भटकेगा नहीं है। हंसना मतलब होता है आनंद देना, भटकते हुए मन को भटकने नहीं देगा और जो आनंद देखा। और राम मतलब क्या है, जीवन में हमें जो आराम देगा, जीवन में हमें शांति सुख देगा, इसलिए भगवान के नाम से जीवन में शांति सुख आराम सब कुछ ठाकुर का नाम से ही मिलेगा। इसलिए क्या करो सवेरे उठ करके नहा धो करके पहले अपना भजन करो, क्या करो पहले पहले क्या करेंगे भजन, उसको बाद में करे भोजन, उसको बाद में। इसलिए हमारे परिवार के लोग पहले क्या करते थे, सवेरे उठ करके पहले ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति करके उसको बाद में फिर भोजन करते थे। इसलिए नियम है, देखो ध्यान देकर सुनो बच्चे लोग, इधर देखो सब, ए बच्चे इधर सुनो, देखो बोले तीन तरह का स्नान है, कितना तरह का है, तीन तरह का, कहते एक है ऋषि स्नान, दूसरा स्नान है देव स्नान, तीसरा स्नान है नर स्नान, चौथा स्नान है राक्षस स्नान। ये स्नान चार ही तरह का है, कहते पहला स्नान है ऋषि स्नान, ऋषि लोग कब स्नान करते, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पहले एक घंटा 36 मिनट पहले जो नहा लेना उसको ऋषि स्नान करते हैं। अगर उसी समय कोई व्यक्ति स्नान कर ले शरीर का आधा बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, आधी बीमारी। दूसरा स्नान है देव स्नान, देवता लोग कब स्नान करते हैं, सूर्य उदय होने से पहले, इसको देव स्नान कहते हैं। तीसरा स्नान है नर स्नान, नर मतलब इंसान, इंसान कब स्नान करते हैं, ठीक सूर्य उदय हो रहा है उस समय में नहा लेते हैं। और एक होता है राक्षस स्नान, राक्षस स्नान उसको कहते हैं जो सूर्य उदय को बाद में जो नहाते हैं, इसको कहते हैं कौन सा स्नान करनी चाहिए, कम से कम नर स्नान तो कर लो, सूर्य उदय समय में नहा लिया करो, ठीक है ना। और उसी समय में आप स्वयं देख लो, सवेरे उठ करके आप एक माला कर लो, देखना मन अपने आप भजन में लगेगा।
लेकिन जब सूर्य उदय हो जाए होने का साथ साथ मन चंचल हो जाएगा, ये करना वो करना, दूध बलाएगा, घर बर्तन मलना, घर का काम कर, मन फिर तो भटकने लग जाएगी, शरीर में रजोगुण आने जाती है, रात को आ जाती है तमोगुण। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते हैं सवेरे जो एक माला कर लेता है ना, 100 माला करने का उसको फल मिल जाता है, क्योंकि उसी समय मन एकदम शांत रहता है, मन इधर उधर नहीं भटकता है। इसलिए नियम है क्या करो, सवेरे उठ करके कम से कम थोड़ी सी भगवान की माला जब कर लिया करो, कहना सवेरे जो काम करोगे दिन भर उसका ही आपके शरीर में उसका ही प्रभाव रहेगा। सवेरे अगर अच्छा हो ना, दिन भर तुम्हारी अच्छाई अच्छाई होगा। इसलिए कहते हैं मंगल भवन अमंगल हरी। इसलिए भगवान कलयुग में हरि नाम को सबसे सरल उपाय बताया। इसलिए ये घर का हमारे श्री ओम गिरी प्रभु जी, इनके घर की कल्याण हो, मंगल हो, घर में शांति सुख रहे। हाँ, इनके इसलिए उन्होंने पुरुषोत्तम महीना में उन्होंने भागवत रखा, इसलिए ये घर का कल्याण एवं अपना कल्याण हो। क्योंकि ये पुरुषोत्तम महीना में एक माला कोई करेगा ना, उसको 100 माला करने का फल मिलेगा, 100 माला। इसलिए आज हम लोग 5 मिनट लगेगा एक माला जप करके, फिर आरती प्रसाद लेकर जाना, ठीक है? एक माला सबको एक एक माला पकड़वा दो, कोई है वहाँ पर खड़े हो जाओ। देखो माला तो एक करोगे, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं ना, उतना माला करने का फल मिलेगा। हाँ, जिनको पास में है उनको देने का जरूरत नहीं, जिनको पास में नहीं है उनको माला दे दो। हाँ, आप लोग मेरे तरफ में देखो, ये माला कैसे जप करोगे? जो हमारे भक्त लोग तो उनको पता है, और जो पहले कभी जप नहीं किया, देखो ये जो अंगुल है ना, ये अंगुल को उसमें स्पर्श नहीं कराना, क्यों? ये गंदा अंगुल है, ये सबसे पहले ये निकलता है, हम तुमको देख लेंगे, इसलिए अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं, और इसको हम बीच वाले अंगुल के ऊपर में, ये बीच वाले अंगुल के ऊपर में हम रखते हैं, रख करके फिर जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके एक माता से रखता है, हरे कृष्ण इसको बंद कर दो। हरि बोल। जो किचन में जो बच्चे लोग हैं, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, सब मेरे साथ में बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मत सरकना, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माला पूरी हो गई। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ देखो ध्यान से सुनो, एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु उनको भक्तों ने उनको निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। महाप्रभु बोले देखो तभी मैं भोजन करूँगा तुम्हारे घर में जो लखपति बनेगा। अरे आज से 550 साल पहले लखपति मतलब होता था 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा जिसको घर में होगा। भक्त लोग तो साधारण थे, बोले हमारे घर में 100 भी नहीं तो हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। तब भगवान ने बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम लेता है, 1,00,000 जो ठाकुर जी का नाम लेता है वो असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
वस्तु अमोल कदी मरे सदगुरु कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दूसरा भजन में क्या कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे सो माला माल हुए और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हुए। इसलिए असली जो धन है जो भगवान के नाम धन को संग्रह करते हैं। देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे अगर किसको बोलो ना थोड़ा हरि नाम करो, बोले नहीं थोड़ा पैसा कमा कर रखे ना, बोले किसके लिए, बोले बच्चे के लिए। गुरु जी कहते थे बच्चे के लिए ज़्यादा पैसा मत कमाओ, बोले क्यों, वो अगर हो ना हार होगा तो कमा ही लेगा, अगर नालायक ही बनेगा ना जितने पैसा कमा करके जा रहे हो, जुआ मांस खा करके शराब पी करके सबको लुटा देगा एक दिन। इसलिए जो असली धन गुरुदेव कहते थे नाम धन, जो धन इसी जीवन में भी धनी बनोगे और अगले जीवन में ये ब्याज समेत तुम्हारे साथ में जाएगा। इसलिए मीरा कहती हैं चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सवाए, जो धन बढ़ेगी जो धन कभी घटेगी नहीं। इसलिए सवेरे नहा धो करके असली धन कमाओ। असली धन क्या है, भगवान का नाम धन है, इसको कमा करके फिर दुनिया के धन पूरा दिन भर कमाओ ना, लेकिन असली धन तो कमाओ जो तुम्हारे साथ में जाने वाले हैं। इसलिए बड़े गुरु जी ये सब बात कहते थे। इसलिए पहले लोग सवेरे उठकर क्या करते थे, नहा धो करके सबसे पहले भजन करते थे, रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, उसको बाद में फिर दिन भर अपना काम काज वो करते थे। इसलिए पहले भजन उसको बाद में भोजन, ठीक है ना। इसलिए नियम बनाओ सवेरे नहा धो करके सबसे पहले असली धन के कमाओ, जो इसी जीवन में भी धनी और अगले जीवन में भी पूरा धनी के धनी है। जैसे तुलसी मीरा और नरसिंह, देखो सारा दुनिया में जिनकी जय जयकार हो रही, जिनकी पूजा हो रही सारा दुनिया में, ठीक है। आई प्रभु जी एक सुंदर भजन सुना लो, आरती रेडी करो, एक अच्छा भजन सुना लो। मेरी करुणामयी सरकार मिला दो ठाकुर से कृपा करो भान दुलारी सिरा ने बलसाने कृपा कर भान दुलारी
Oh,
जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके ठाकुर को बुलाया तो ठाकुर जी ने वस्त्र प्रदान किए। इसे अगर हाथ उठाओ और मेरे साथ में धीरे धीरे थोड़ी सी नृत्य करते करते ठाकुर जी को रिझाओ।
बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि राधे गोपाल जगत श्री राधे सबके सब इधर आओ और प्रसाद लेकर के जाओ आप सबके सब क्या है हाँ आ जाओ प्रभु जी ले ले, ले, ले।